Tane is okay? Tane? Yeah. Acha. So more and more are joining, just ek ek No, it's okay. Join Haan. ho rahe. ठीक है So we'll नहीं तो start in 2 minutes. हाँ नहीं नहीं ओके तो वो जैसा भी अभी प्रमोट कर रहे हैं कि हमको इंट्राडे ट्रेडिंग करना है. अभी हमने ऑलरेडी एक वेबिनार लिया है, उसके कुछ हम कोर्सेज अभी चालू कर रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस भी हम लॉन्च कर रहे हैं. हम चाह रहे हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए सही ढंग से प्लानिंग करके, सही ढंग से जानकारी लेके और वो इंट्राडे ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करें. तो खासकर जब इंट्राडे ट्रेडिंग करना होता है तो उस समय अगर हम ऑर्डर जो है वो हमारे यहाँ पे डीलर को देंगे तो उसमें कई बार टाइम लैग हो जाता है, कई बार फोन नहीं लग रहा है, बिजी आ रहा है, या अभी आजकल कोरोना का ट्यून इतने देर बजता है कि तब तक बहुत सारी मूवमेंट निकल जाती है. तो ये सब चीजों को अगर हमको अवॉइड करना है तो जो इन्वेस्टर के पास थोड़ा समय है, थोड़ा सा वो नॉलेज अगर रखता है या इंटरेस्ट है तो ये बहुत इजीली, आज आपको तने बताएगा कि बहुत हम बहुत इजीली हम लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे कर सकते हैं. अगला सेशन हम मोबाइल का भी कर लेंगे कि मोबाइल में हम आपको बता देंगे कि किस किस ढंग से मोबाइल से हम ट्रेड कर सकते हैं. तो इस प्रकार से अगर आपको नॉलेज मिल जाए तो जो भी ट्रेडिंग है या जो भी ऑर्डर्स पंच करने हैं या कुछ स्टॉप लॉस लगाना है, टारगेट कम ज़्यादा करना है, या आप आपके एंड पे कर सकते हैं और उससे टाइम का बहुत बड़ा वैल्यू हमारे को बचता है. बहुत सारे जो ट्रेड है हमको मिल सकते हैं, बहुत सारा फायदा होता है. तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस सेशन में आप सभी को बहुत फायदा होगा. तने ने बहुत अच्छे ढंग से तैयारी की है, मैं तने को बहुत शाबाशी देता हूँ कि एक अच्छे ढंग से उसने पूरा प्लानिंग किया है. पूरा होने के बाद में जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम सभी लें. हमारी इच्छा यही है कि जो भी आज जो संडे है, संडे आफ्टरनून ईजी नहीं है अटेंड करना, लेकिन फिर भी आप सभी लोग आए हैं तो हम पूरी अच्छे तरह से उसको सीख के जावे, कोई चीज अधूरी नहीं रह जाए. तो थैंक यू तने, यू कैन स्टार्ट विद योर प्रेजेंटेशन. मैं आपको अनम्यूट रखता हूँ अगर बीच में कुछ नहीं, अभी 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 एक बार म्यूट कर दो सबको, कहीं जरूरत पड़ेगी देन वी कैन चैट. ओके, तो अगर किसी को क्वेश्चंस है तो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं अभी. हाँ, सो तो क्या, ताकि आपको डिस्टर्ब ना हो कोई. ओके, मैं चैट बॉक्स मिनिमाइज कर देता हूँ एंड आई एम म्यूटिंग एवरीवन. सो एक बार सेशन के बाद में मैं सब लोग को अनम्यूट कर दूंगा. एक बार सेशन के बीच में अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है, कोई डाउट आते हैं तो चैट बॉक्स में डाल के रख दो, मैं उसको उसी वक्त कर दूंगा क्लियर, या फिर मैं आफ्टर सेशन कर दूंगा. वेरी गुड, ओके, ऑल द बेस्ट. या थैंक यू. ओके, सो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल. मैं एक बार मेरा डेस्कटॉप स्क्रीन दिखा देता हूँ. So, okay, my screen is visible? Yes. Yeah, perfect. So, आप अपने पीसी पे या लैपटॉप के ऊपर मोतीलाल ओसवाल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहली चीज, प्लीज इंश्योर कीजिए कि आपके पास एक विंडोज 10 का कंप्यूटर और लैपटॉप होना चाहिए. मोस्ट प्रोबेबली विंडोज 7 या विंडोज XP अगर कोई यूज कर रहा है तो शायद उसके पास नहीं चलेगा. आपके पास विंडोज 10 है क्या, ये देखने के लिए आप क्या कीजिए, माई कंप्यूटर जो होता है डेस्कटॉप पे उसको आप राइट क्लिक कीजिए, प्रॉपर्टीज में जाइए. प्रॉपर्टीज पे आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो खुलेगा जहां आपको ऊपर वो दिखा देगा कि आपके पास में विंडोज 10 है, विंडोज 7 है. तो मेरे पास में जैसे यहाँ पे विंडोज 10 प्रो लिखा है, अगर विंडोज 10 है आपको कोई इशू नहीं आएगा. ओके, तो फर्स्ट स्टेप क्या है, हमको गूगल ओपन करना है, ठीक है, और मोतीलाल ओसवाल की जो वेबसाइट है डाउनलोड करने के लिए, जो कि है downloads.motilalosval.com, ठीक है, downloads.motilalosval.com. हमको इस वेबसाइट पर जाना है. ओके, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ. ऑलराइट, इस तरह का एक पेज खुलेगा. यहाँ पर आपको लिस्ट में से एमओ ट्रेडर सिलेक्ट करना है. ओके, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सेकंड लास्ट ऑप्शन है एमओ ट्रेडर. एमओ ट्रेडर पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा और आपको डाउनलोड दबाना है. जैसे आप डाउनलोड दबाएंगे आपको दिखेगा कि एक 18 MB का एक फाइल डाउनलोड होना शुरू हो गया. देखिए एमओ ट्रेडर नाम है उसका और उसका साइज है अप्रॉक्सीमेटली 18 MB का. ओके, 18.5 MB. मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ. तो आप देखिए मेरे डाउनलोड्स के फोल्डर में, आपके पास जो डाउनलोड्स का फोल्डर होता है वहां पर एक एमओ ट्रेडर की फाइल आ चुकी है, ठीक है, 18.5 MB की. आपको जस्ट उसको डबल क्लिक करना है, दैट्स इट. अगर स्क्रीन पे कोई पॉपअप आता है तो आप उसको यस कर दीजिए, नहीं तो फिर जस्ट डबल क्लिक कीजिए. आपको स्क्रीन पे एक नोटिफिकेशन ऐसा आएगा कि आपको ओरियन लाइट का वर्जन अपडेट हो गया. देखिए ओरियन लाइट न्यू वर्जन अपडेट. ओके, आपको जस्ट को ओके क्लिक कर देना है. इससे होगा क्या कि आपका डेस्कटॉप के ऊपर
एक ओरियन लाइट नाम का एक आइकन आ जाएगा. देखिए ये ब्राउन कलर का आइकन है, ओरियन लाइट लिखा है इसके ऊपर, राइट. इसको आप डबल क्लिक कीजिए तो आपका एक ये मोतीलाल ओसवाल का टर्मिनल. फर्स्ट टाइम जब लॉग इन होता है ये थोड़ा सा लोड लेता है. अब यहाँ पे आपको क्या पूछ रहा है, लॉग इन आई डी, पासवर्ड, पैन कार्ड एंड डेट ऑफ बर्थ. पैन कार्ड या डेट ऑफ बर्थ जो दोनों में से कोई भी है तो आप अपना लॉग इन आई डी डाल दीजिए. फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लाइंट से रिक्वेस्ट किया कि मैं उनका आई डी यूज कर सकूँ तो मैं उनका आई डी ले रहा हूँ. पासवर्ड में मैं उनका पासवर्ड डाल रहा हूँ, ओके. एंड आपका डेट ऑफ बर्थ या पैन कार्ड डाल सकते हो तो बेस्ट रहेगा. डेट ऑफ बर्थ को आप इस फॉर्मेट में डालना है, ठीक है, dd/mm/4x y, ठीक है. और आपको जस्ट लॉग इन पर क्लिक कर देना है. इन केस अगर आपके पास आपका पासवर्ड सेट नहीं है तो आप क्या कीजिए, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए. फॉरगेट पासवर्ड जब क्लिक करने के बाद आपको आपका ईमेल आईडी यहाँ पे एंटर करना है. इससे होगा क्या कि आपके ईमेल आईडी पे 4 डिजिट का ओटीपी आ जाएगा, ठीक है. उस ओटीपी को आप यहाँ डाल देंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगा जहां वो आपको पूछेगा ओल्ड पासवर्ड एंड न्यू पासवर्ड. तो ओल्ड पासवर्ड में आपको फिर से ओटीपी डालना है और न्यू पासवर्ड में आप अपना नया पासवर्ड सेट कर लीजिए. अल्फा न्यूमेरिक रहेगा तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है. सब कुछ डाल के अब डायरेक्टली आप लॉगिन पे क्लिक कर दो, ठीक है. एक बार आपने लॉगिन पे क्लिक किया 2 मिनट का वो लोडिंग लेगा बिकॉज वो फर्स्ट टाइम लॉगिन हो रहा है. और आपके सामने एक पॉपअप आएगा देखिए इस तरह का, तो आपका क्लाइंट कोड आ गया वेलकम का. आपने आखिरी बार कब लॉगिन किया था वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है विद डेट एंड टाइम, ठीक है. और आपका पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, मोतीलाल ओसवाल के अंदर क्या होता है, हर 90 डेज में यानी हर 3 महीने में आपका पासवर्ड एक्सपायर होता है. तो हर 3 महीने में आपको एक नया पासवर्ड सेट करना होता है, ठीक है. हम इसको ओके क्लिक कर देते हैं. अब जैसे आप इसको ओके क्लिक करेंगे आपके सामने मोतीलाल ओसवाल का टर्मिनल विंडो खुल जाएगा, ठीक है. अब ये वही टर्मिनल विंडो है जो आपने हमारे ऑफिसेस में देखा होगा, हमारे डीलर्स के पास होता है, या आपने जैसे CNBC वगैरह पे देखा होगा जो डीलर्स और ट्रेडर्स लोग का जो टर्मिनल होता है, ये सेम वैसे ही है. ऊपर आपको यहाँ पे आपके इंडेक्सेस दिख जाते हैं, ठीक है. हमारे पास में Nifty 50 का स्पॉट है, बैंक निफ्टी स्पॉट है, सेंसेक्स है. फिर हमारे पास बैंक निफ्टी फ्यूचर है, निफ्टी फ्यूचर है, डॉलर करंट मंथ का जो है फ्यूचर, और गोल्ड बड़ा कॉन्ट्रैक्ट का फ्यूचर है. तो ये बेसिकली आपका ये ऊपर इंडेक्स दिख रहा है, ठीक है. यहाँ पर आपका बाय डिफॉल्ट निफ्टी 50 का पेज आ गया है. ये बेसिकली एक वॉच लिस्ट है. आप में से जो लोग मोबाइल ऐप यूज करते हो तो आप मोबाइल पे आपने एक वॉच लिस्ट बनाई होगी या वेब के ऊपर एक वॉच लिस्ट बनाई जिसमें आप अपने फेवरेट शेयर्स को ऐड करके रखते हो और फिर उनके प्राइसेस देखते हो. ये बेसिकली सेम वैसा है. लेकिन अगर आपको अपना खुद का बनाना है, आपको अपना खुद का एक पेज तैयार करना है तो आप इसको क्लोज कर दो. यहाँ राइट साइड में आपका क्लोज बटन है, ठीक है. तो इसको आप यहाँ पर क्लोज पे क्लिक कर दो, ओके. आपको यहाँ पे स्टार्ट पे आना है एंड क्रिएट पे क्लिक करना है, ओके. यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपको क्रिएट का दिख रहा होगा तो आप क्रिएट पे क्लिक कीजिए. अब वो क्रिएट पे क्लिक करने के बाद आपको एक नाम पूछ रहा है, देखिए. तो नाम के अंदर मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ, मैं अपना नाम डाल देता हूँ, ओके. एंड जस्ट आपको क्रिएट बटन दबा देना. अब इससे होगा क्या, आपका एक ब्लैंक पेज तैयार हो जाएगा. ये जैसे पिछले वाले वक्त निफ्टी का पेज था, अभी एक ब्लैंक पेज तैयार हो गया. इसको आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप इसको स्टार्ट पे जाके सेव कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है. यहाँ पे एक सेव का बटन दिखा रहा है, आप इसको सेव दबाएंगे तो क्या होगा, अगली बार जब भी आप इसमें लॉग इन करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपका यही पेज खुलेगा. तो ये वन टाइम सेव आपको कर लेना है, ठीक है. और फिर आप इसको ओके कर दो. अब हमको इसके अंदर स्क्रिप्ट ऐड करने हैं. जो भी आप कैश F&O करेंसी की भी ट्रेड करते हो तो आपको उसके स्क्रिप्ट लगते हैं. तो हमको यहाँ पे ऊपर सर्च में जाना है और हमको 1 by 1 स्क्रिप्ट ऐड करने हैं. आप कैसे ऐड करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक्सिस बैंक डालना है तो मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक टाइप करूंगा, ठीक है. अब एक्सिस बैंक टाइप करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे एक्सिस बैंक के बहुत सारे नाम आ रहे हैं. देखिए लिस्ट लंबी लिस्ट खुल गई, ठीक है. अब यहाँ पे क्या है, एक्सिस बैंक इक्विटी फ्यूचर ऑप्शंस में उसके कॉल्स उसके पुट्स सब पूरी लिस्ट खुल जाती है जो जो एक्सिस बैंक के नाम से शुरू होते हैं. तो यहाँ पर आप ऊपर देखो कि यहाँ पर कुछ फिल्टर्स बने हुए हैं, ठीक है. तो यहाँ पर एक्सचेंज का फिल्टर है, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट का फिल्टर है, यहाँ पे ग्रुप का फिल्टर है, ठीक है. अब मुझे फॉर एग्जाम्पल एक्सिस बैंक लेना है BSE में, तो मैं यहाँ पे सिर्फ BSE फिल्टर में डालूंगा तो BSE पे जो एक्सिस बैंक लिस्टेड है वो आ जाएगा, ठीक है. अगर मैं इसको NSE करता हूँ तो NSE का आएगा, NSE FO करता हूँ तो फ्यूचर आ जाएंगे, फ्यूचर ऑप्शन, राइट. लेकिन हमको लेना है इक्विटी, यानी जो हमारा एक्सिस बैंक जो NSE पे लिस्टेड है शेयर वो. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्रुप पे आके एक बार इक्विटी पे क्लिक कर देंगे, ठीक है. इक्विटी टाइप करना है, आपका देखेंगे बाकी सारे नाम चले गए, सिर्फ जिस ग्रुप में इक्विटी था वो रह गया. तो आपको करना क्या है, यहाँ पे क्लिक करना है टिक बॉक्स के ऊपर. देखो यहाँ पे मैंने टिक मार्क किया और बाहर ब्लैंक जगह पे कहीं पर भी आप नॉर्मल क्लिक कर दीजिए, ठीक है. तो उससे होगा क्या, आपका एक्सिस बैंक जो है वो एक के वॉच लिस्ट में ऐड हो गया, ठीक है. अब फॉर एग्जांपल मुझे टाटा मोटर्स या टाटा स्टील लगाना है तो अब मैं यहाँ पे टाटा टाइप करूंगा, ठीक है.
आप टाटा टाइप करने के बाद में टाटा के नाम से भी बहुत सारे आ जाएंगे, तो मैं यहाँ पे ग्रुप में क्या करूंगा, EQ लिख दूंगा। अब EQ लिखने के बाद में भी टाटा के काफी सारे कंपनीज के नाम आ गए, ठीक है। तो आप लिस्ट में यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसमें आप, फॉर एग्जाम्पल आपको टाटा मोटर्स लेना है, तो आप स्क्रिप्ट नाम में देख लो यहाँ पे टाटा मोटर्स कहाँ लिखा है, ठीक है, उसको आप टिक मार्क कर लो और बाहर क्लिक कर दो, तो आपका टाटा मोटर्स ऐड हो गया। इस तरह से हम कपल ऑफ स्क्रिप्ट, अभी ये जैसे मैंने जो किया, ये मैंने एक्सेस और टाटा मोटर्स, ये दोनों के दोनों मैंने कैश में लगाए। तो कैश में लगाने के लिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे गया, मैंने टाटा टाइप किया, टाटा या टाटा मोटर व्हाटएवर, और मैंने यहाँ पे ग्रुप में EQ लिखा था, तो उससे वो उसकी इक्विटी आ रही थी। लेकिन इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे ग्रुप में XX लिख देता हूँ, डबल X, ठीक है, तो उसके फ्यूचर्स आएंगे, जो हमारा डेरिवेटिव्स होता है फ्यूचर्स। फ्यूचर्स के 3 मंथ होते हैं, आपको पता है, करंट मंथ होता है, नेक्स्ट मंथ होता है और फार मंथ होता है। ये 3 मंथ्स आ गए। अब मुझे जुलाई लेना है, तो वापस मैं जुलाई के सामने टिक मार्क करूंगा और बाहर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो आप देखोगे कि पहले वाले में टाटा मोटर्स EQ लिखा था, सेकंड वाले में टाटा मोटर्स 30 जुलाई लिखा है, ऑलराइट। अब इसी तरह समझो मुझे लेट्स से टाटा मोटर्स का कोई कॉल लगाना है, पुट लगाना है, तो प्रोसीजर सब सेम है। मुझे ऊपर टाटा मोटर्स सर्च करना है, ठीक है, यहाँ पर बस मैं इक्विटी की जगह या एक्सेक की जगह मैं यहाँ पे CE लिख दूंगा, ठीक है। CE का मतलब होता है कॉल यूरोपियन, जो हम लोग कॉल्स और पुट्स में काम करते हैं। तो अब आपके पास में सारे इतने सारे कॉल्स आ गए, देखो टाटा के तो हर एक स्क्रिप्ट में इतनी सारी कॉल्स है। लेकिन अब आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस लेना है, तो यहाँ पे स्ट्राइक का एक फिल्टर है, वहाँ पर आप उसका ले लीजिए, 105 की कॉल लगानी है या 106 की लगानी है, व्हाटएवर जो भी होगा। अब उसमें भी फिर वापस आपके 3 महीने आ गए, ठीक है। अब इसमें से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे आपको एक एक्सपायरी का बॉक्स दिया हुआ है, ठीक है। कई बार क्या होता है, जैसे अभी हमारे F&O में तो चलो 3 ही एक्सपायरी चलती है, बट डॉलर के अंदर होती है 12 महीने की एक्सपायरी। तो 12 महीने में सर्च करने के लिए आप क्या करोगे, शॉर्टकट एक्सपायरी पे आप क्लिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल आपको अभी अगस्त स्क्रिप्ट लगानी है, तो 27 एक्सपायरी है उसकी, तो मैं 27 लिख दूंगा। तो वो क्या करेगा, सिर्फ उतना फिल्टर आउट करके आपको दिखा देगा। तो आप वहाँ पे टिक मार्क करो और उसको ऐड कर दो, तो यहाँ पर आपका स्क्रिप्ट ऐड हो गया। अब जैसे हम लोग ने पेज पूरा यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके सेव किया था, वैसे अभी आपको ये स्क्रिप्ट्स को भी सेव करना है। तो यहाँ पे उसका फर्स्ट बटन यहाँ पे ऊपर दिया है सेव का, देखिए मैं यहाँ पे सेव पे क्लिक करता हूँ, तो मेरा जो लेआउट है वो सेव हो गया। यानी जब भी मैं कोई स्क्रिप्ट ऐड करूंगा या डिलीट करूंगा, तो मुझे क्या करना है, एक बार सेव के ऊपर आके क्लिक कर देना है। अब कई बार क्या होता है कि ये थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस दिखता है, कि यहाँ पर आप क्लिक करो, फिर आप फॉर एग्जाम्पल किसी स्क्रिप्ट का नाम टाइप करो, जैसे SBI लिखा, फिर आप ग्रुप पे जाओगे, EQ करोगे उसको, राइट, फिर उसमें से काफी सारे नाम आएंगे, राइट, फिर आप उसको और फिल्टर लगाओगे और फिर आप ऐड करोगे, ये थोड़ा सा लेंथी हो जाता है। मैं उसका आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ। आपको करना क्या है, आपके कीबोर्ड के ऊपर एक इंसर्ट का बटन होगा, देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमारा कीबोर्ड कुछ इस तरह से दिखता है। तो हमारे कीबोर्ड पे एक इंसर्ट का बटन होता है, देखिए ऐसा। तो हमको करना क्या है, हमको वो इंसर्ट पे क्लिक करना है। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे ये एक लाइन्स बने थे ना स्क्रिप्ट के, ऐसे एक ब्लैंक लाइन तैयार हो गई, यहाँ पे देखिए नीचे एक ब्लैंक लाइन आ गई है, ठीक है। मैं जितनी बार इंसर्ट पे क्लिक करूंगा, तो ये ब्लैंक लाइन्स तैयार होते जाएंगे। अब मुझे इस लाइन के ऊपर वो स्क्रिप्ट लानी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं एंटर बटन को प्रेस करूंगा, देखिए, ठीक है, मैंने एंटर प्रेस किया, एक विंडो आ गया जहाँ पे वो मुझे पहले से बाई डिफॉल्ट NSE, BSE, फ्यूचर करेंसी के फिल्टर्स पूछ रहा है, तो मैं NSE लूंगा, ठीक है। हमारा नॉर्मल है या स्प्रेड है, स्प्रेड जनरली फ्यूचर्स में होता है, हम नॉर्मल लेंगे। फिर हमारी इक्विटी है, तो वो इक्विटी एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब मैं टाइप करता हूँ SBN। अभी आप देखिए कि स्टॉक मार्केट में बहुत सारे स्क्रिप्ट ऐसे होते हैं जिनके शॉर्ट नेम होते हैं, ठीक है, कंपनी का नाम बड़ा होगा बट उसका जो स्क्रिप्ट कोड है वो छोटा होगा। फॉर एग्जाम्पल बजाज फाइनेंस, तो बजाज फाइनेंस के लिए बजाज फाइनेंस इस तरह से आप लिख भी सकते हो, या उसका जो स्क्रिप्ट कोड है वो है BAJFIN। ये देखिए बजाज फाइनेंस आ गया। आपको नेक्स्ट इंटरफेस पे जाना है और सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो क्या होगा, वही बजाज फाइनेंस ऊपर टाइप करके उसमें इक्विटी टाइप करके क्लिक करने के बजाय डायरेक्टली शॉर्टकट से लगा सकते हो। प्रोसेस एकदम सिंपल है, आपको ब्लैंक स्पेस पे आना है, एंटर पे क्लिक करना है, ठीक है। आप टैब दबा दीजिए, टैब से क्या होता है वो नेक्स्ट विंडो पे चले जाता है, देखिए, ठीक है। टैब दबाने के बाद अपना स्क्रिप्ट का नाम डाल दो, फॉर एग्जाम्पल SBIN, ठीक है, जो भी इनमें से जो भी आपका प्रेफरेंस होगा वो उसको आप क्लिक कर लो, ठीक है, और एंटर मार दो, तो आपका SBIN आ जाएगा। ये बेसिकली स्क्रिप्ट लगाने के 2 तरीके हैं। अब यही जैसे मैंने देखिए टाटा मोटर्स का मैंने फ्यूचर लगाया था, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे SBI का फ्यूचर लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, ब्लैंक स्पेस पे आ जाऊंगा, एंटर मारूंगा, ठीक है। NSE की जगह पे मैं उसे NSE FO कर लूंगा, ठीक है। अब NSE FO करने के बाद एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन आएंगे, एक फ्यूचर स्टॉक और फ्यूचर इंडेक्स, ठीक है। फ्यूचर इंडेक्स, फ्यूचर स्टॉक यानी जो आपके बाकी के जो स्क्रिप्ट होते हैं टाटा, एक्सेस, SBI, ये आपके फ्यूचर स्टॉक में आते हैं,
और फ्यूचर इंडेक्स का मतलब होता है आपका निफ्टी बैंक निफ्टी। तो मैं अगर फ्यूचर इंडेक्स करके अब यहाँ पे निफ्टी टाइप करता हूँ तो देखिए निफ्टी की लिस्ट आ गई। अब वो मुझे एक्सपायरी पूछेगा आगे, ठीक है, कौन सी एक्सपायरी चाहिए मुझे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ठीक है। अब आप देखिए कि बाकी के जो बॉक्सेस है वो डिसेबल हो गए, यहाँ पे जो एक्सएक्स लिखा है ना वो डिसेबल हो गया बिकॉज मैं फ्यूचर ले रहा हूँ। अब यही निफ्टी को अगर मुझे कॉल या पुट लेना होगा तो मैं क्या करूंगा, फ्यूचर इंडेक्स की जगह मैं कर दूंगा ऑप्शन इंडेक्स। तो ऑप्शन इंडेक्स में फिर मैं निफ्टी टिक लिख कर आगे जाऊंगा तो मुझे स्ट्राइक और कॉल या पुट क्या लेना है वो पूछेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 10,000 डाल देता हूँ, फिर कॉल या पुट मुझे क्या लेना है, पुट लेना है, मैं पुट ले लेता हूँ यहाँ पे और सबमिट कर दो। एक्सपायरी आपको पता है इंडेक्स के अंदर वीकली चलती है तो आप वीकली एक्सपायरी में से कोई भी ले सकते हो और सबमिट कर दो। तो आपका जो निफ्टी का वो जो पर्टिकुलर ऑप्शन है वो यहाँ पे लग जाएगा, उसको आप यहाँ पे फिर सेव कर दो, ठीक है। सेव करेंगे आपका ये बाय डिफॉल्ट सेव हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका स्क्रिप्ट्स कैसे लगाने हैं, ठीक है। हम इंसर्ट दबाएंगे या फिर हम यहाँ पे जाके स्टार्ट के ऊपर जाके भी हम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं सर्च बॉक्स में। अब इसमें बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो बाइंग सेलिंग के लिए आप देखिए हमारे पास में कीबोर्ड के ऊपर एक राइट साइड में प्लस का बटन बना होता है, ठीक है, एकदम राइट साइड में आपको पता है प्लस बटन बना होता है। आपको प्लस बटन दबाना है तो यहाँ पे आपका बाय का ऑर्डर फॉर्म खुल जाएगा, देखिए, ठीक है। और कुछ चीजें उसमें पहले से बाय डिफॉल्ट लिख कर है, जैसे NSC, लिमिट, डे, ठीक है, ये कुछ चीजें इसमें बाय डिफॉल्ट है, ये मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या है। जैसे प्लस दबाएंगे तो बाय विंडो आता है, एस्केप दबा दीजिए तो वो चला जाएगा, देखिए मैं इस पर क्लिक करके एस्केप दबाता हूँ वो चला गया। मैं अगर माइनस दबाऊंगा तो आपका सेल विंडो आ जाएगा, ठीक है, मैं एस्केप दबाऊंगा वो चला जाऊंगा। कुछ लोगों के पास में लैपटॉप है जिसमें राइट साइड में नम पैड नहीं है ऐसा, ठीक है, तो वो प्लस माइनस का बटन वहां से नहीं दबा सकते। उसके लिए शॉर्टकट है कि ऊपर की तरफ आपको F1, F2, F3 इस तरह के बटन्स लैपटॉप पे दिए होंगे, ठीक है, कीबोर्ड कंप्यूटर के कीबोर्ड पे भी होता है। आप कुछ लैपटॉप्स पे आपको फंक्शन दबा के फिर F1 दबाना होता है, ठीक है। तो अगर वही मैं F1 दबाता हूँ तो वापस वही मेरा बाय विंडो आ जाएगा, मैं एस्केप दबाता हूँ तो वो चला जाएगा, और वापस फंक्शन दबा के अगर मैं F2 करता हूँ तो मेरा सेल विंडो आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार हम बाय विंडो पे चले जाते हैं और एक बार हम देखते हैं कि बाय विंडो कैसे वर्क करता है। अब यहाँ पे आपका एक्सचेंज में बाय डिफॉल्ट वो NSC दिखा रहा है बिकॉज आपने NSC के स्क्रिप्ट के ऊपर आपने क्लिक करके किया था। लिमिट ऑर्डर टाइप में लिमिट मार्केट स्टॉप लॉस, तीन ऑप्शंस होते हैं, तीनों का मतलब समझ लीजिए। लिमिट में क्या होता है कि आपका फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस अभी 2931 चल रहा है, लेकिन आपको ऐसा चाहिए कि वो जब नीचे गिरेगा तब वो बाय हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2900 पे आने के बाद बाय होगा। तो आप ऑर्डर टाइप में पहले आप लिमिट लोगे, आप अपनी क्वांटिटीज डाल दोगे आपको कितनी क्वांटिटी चाहिए, और प्राइस में आपको जो प्राइस पे आपको लेना है जैसे 2930 या 2900 वो आप वहां पे टाइप करोगे। आई थिंक सो, ओके, या समवन इज आस्किंग दैट आई हैव टू गो स्लो, ओके, या ऑलराइट। सो हमको करना क्या है, हमको ऑर्डर टाइप में जाना है, लिमिट लेना है जो कि बाय डिफॉल्ट आता है। देखिए अगर मैं SBI पे जाके F1 करता हूं तो ऑर्डर टाइप के अंदर बाय डिफॉल्ट लिमिट आ गया, हमारे स्क्रिप्ट का नाम आ गया, हमारी क्वांटिटी आ गई, हमको कितनी लेनी है, फॉर एग्जांपल मुझे 50 लेनी है, ठीक है। प्राइस अभी SBI फॉर एग्जांपल अभी 184 चल रहा होगा, लेकिन मुझे उसको लेना है 180 पे, तो मैं यहाँ 180 डाल दूंगा और फिर मैं एंटर मार दूंगा। जब मैं एंटर मारूंगा तो मुझे एक कन्फर्मेशन बॉक्स आता है, देखिए जहाँ पर मेरा क्लाइंट कोड, मेरा एक्सचेंज, मेरा स्क्रिप्ट का नाम, ठीक है, मेरा ऑर्डर टाइप क्या है, लिमिट था, मार्केट था, मेरी क्वांटिटी, मेरा प्राइस, सब कुछ पूछता है। मैं जैसे ही उसको यस करूंगा तो मेरा ऑर्डर प्लेस हो जाना चाहिए। अब फिलहाल क्योंकि आज संडे है तो इसके लिए आज एक्सचेंज बंद है, तो नीचे देखिए रिजेक्शन आया कि हमारा एक्सचेंज कनेक्टिविटी फेल्ड, बट जनरली यहाँ पर कंफर्म लिख कर आता है, मतलब आपका ऑर्डर प्लेस हो गया, ठीक है। तो ये आपका लिमिट हो गया। सेम फॉर गोज फॉर सेल। अब फॉर एग्जाम्पल जैसे SBI पे मैं सेल का विंडो खोलता हूँ, अब SBI का प्राइस चल रहा है 184, लेकिन मुझे डालना है 190 पे, तो मैं क्या करूँगा, उससे लिमिट रखूंगा, क्वांटिटी पे मैं अपनी क्वांटिटी डाल दूंगा 50-100 जो भी होगी, एंड प्राइस के अंदर मैं डाल दूंगा 190, ओके, 190 डाल के मैं सबमिट करूंगा तो मेरा ऑर्डर वो ऊपर का प्लेस कर देगा। तो ये हो गया हमारा लिमिट। अब मार्केट में क्या होता है, यहाँ पे सेकंड ऑप्शन है मार्केट। मार्केट के अंदर बाकी सब सेम होता है, आप सिर्फ उसमें प्राइस नहीं डाल सकते। कई बार क्या होता है कि स्क्रिप्ट में बहुत वोलेटिलिटी है, आप बाय का ऑर्डर प्लेस कर रहे हो सामने लेकिन वो फिर भी ऊपर जा रहा है, आप मॉडिफाई करते हो फिर वापस और ऊपर निकल गया, तो कई बार आपके हाथ में नहीं आ रहा है वो, तो उस वक्त आपके पास शॉर्टकट क्या होता है कि आप बाय या सेल का विंडो ओपन करो, लिमिट की जगह बस आप उसको मार्केट कर दो और लॉट या क्वांटिटी जो भी है आपकी 50-100 जो भी है वो डाल दो। उससे होगा क्या, आप यहाँ पे देखोगे आप प्राइस नहीं डाल पाओगे, जैसे ही आप एंटर मारोगे तो सामने जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे वो आपका खरीद लेगा, ठीक है। या अगर आप सेल कर रहे हो
और आप मार्केट करके सेल कर रहे हो तो कई बार क्या होता है, लिक्विडिटी का इशू होता है, सामने बाय हमको फॉर एग्जांपल 100 क्वांटिटी बेचनी है लेकिन सामने बायर सिर्फ 10 क्वांटिटी का है, फिर उसके नीचे अगला बायर 50 क्वांटिटी का है, तो हमारा फिर वो पार्शियल पार्शियल होके जाता है। तो हम क्या करेंगे, अगर उसको मार्केट करके डाल देंगे तो सामने जितने बायर्स होंगे हमारी 100 क्वांटिटी के, उतना हमारा वो 100 का 100 एक झटके में निकल जाएगा। ये हो गया हमारा लिमिट एंड मार्केट। स्टॉप लॉस, आप में से जो लोग इंट्राडे ट्रेड करते हो या जिनको रेगुलरली हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप स्टॉप लॉस लगाइए। स्टॉप लॉस में क्या होता है, हमने फॉर एग्जांपल कोई स्क्रिप्ट बाय कर ली 100 रुपीज़ पे, फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स है, मैंने 100 रुपए पे वो स्क्रिप्ट बाय कर ली, अब वो 103 हो गया। तो कई बार हम लोगों को इनकरेज करते हैं कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कीजिए, जिसमें क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगाइए और जैसे जैसे वो बढ़ रहा है तो आप उसको ट्रेल करते जाइए, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैंने टाटा मोटर्स लेट्स से 100 पे लिया था और मुझे अब उसको सेल का स्टॉप लॉस लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, अपना सेल का विंडो ओपन करूंगा, ऑर्डर टाइप के अंदर मैं ले लूंगा स्टॉप लॉस, ठीक है। अब बाकी सब वैसे ही रखूंगा, मेरी क्वांटिटी में डाल दूंगा जो भी मुझे क्वांटिटी लेनी है। फॉर एग्जांपल 100 की मुझे स्टॉप लॉस लगानी है तो वो मेरी 100 क्वांटिटी आ गई। पहले आपको डालना है ट्रिगर प्राइस, ठीक है, ट्रिगर प्राइस हमेशा पहले डालना है, यानी अगर ये 100 रुपए से गिरना शुरू हुआ तो पहला प्राइस कौन सा आएगा। लेट से मुझे 97 पे लगाना है तो मैं लिख दूंगा 97, ठीक है। स्टॉप लॉस कभी भी है ना एक पर्टिकुलर प्राइस पे नहीं होता, ये एक रेंज देनी होती है आपको, एक सिस्टम को एक रेंज देनी है, जब उस रेंज के बीच में आपका स्टॉक आता है, प्राइस आता है, उसके बाद ही आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है। तो हमको अगर 97 का स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं ट्रिगर में डालूंगा 97 और एक्चुअल प्राइस में मैं डालूंगा लेट्स से 96.50, कोई भी नीचे का प्राइस, वो आप डिफाइन कर सकते हो 10 पैसा, 5 पैसा, 50 पैसा, व्हाटएवर, ठीक है। तो लेट्स से मैंने यहाँ पे 97 ट्रिगर डाल दिया, 96.50 मेरा एक्चुअल प्राइस डाल दिया, जैसे ही मैं सबमिट करूंगा तो मेरा वो ऑर्डर विंडो मुझे दिखा देगा कितनी क्वांटिटी, प्राइस और मेरा ट्रिगर प्राइस क्या है, राइट। और फिर मैं उसे यस करूंगा, मेरा स्टॉप लॉस प्लेस हो जाएगा। अब ये तो हो गए सेल की बात, बाय के वक्त क्या होता है, बाय के वक्त क्या होता है, हम जब बाय का लेट्स से मैंने टाटा मोटर्स को शॉर्ट करके रखा है, ठीक है, 103 के ऊपर उसको शॉर्ट किया था मैंने या 100 रुपए पे शॉर्ट किया था, और मुझे चाहिए कि जब वो 105 जाएगा तो मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होना चाहिए, तो मैं उसको बाय का स्टॉप लॉस लगाना चाहता हूँ। इन दैट केस मैं इसको लगाऊंगा स्टॉप लॉस, ट्रिगर में अब मैं रखूंगा 105, ठीक है, 105 का ट्रिगर होगा और फिर उसके ऊपर का प्राइस मेरा एक्चुअल प्राइस होगा, जैसे 105.50, राइट। तो अब सेल के स्टॉप लॉस में हम क्या कर रहे थे, हम नीचे का प्राइस पहले ट्रिगर दे रहे थे और उसके नीचे का प्राइस हम एक्चुअल दे रहे थे। बाय में हम उल्टा करते हैं, पहले हम लोग 105 ये हमारा ट्रिगर प्राइस रखेंगे और उसके ऊपर का प्राइस जैसे 105.50 या 106 ये हमारा एक्चुअल प्राइस होगा, क्वांटिटी हम डालेंगे और सबमिट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया लिमिट, मार्केट, स्टॉप लॉस, ये तीन कॉन्सेप्ट हो गए। स्क्रिप्ट नेम मैंने आपको बता दिया आता है। अब बिकॉज हम कैश में ट्रेड कर रहे हैं तो यहाँ पर क्वांटिटी और लॉट एक ही बात होती है, आप 50 क्वांटिटी लिखोगे तो लॉट में भी 50 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप F&O में ट्रेड करते हो जैसे टाटा मोटर्स है, इसमें क्या होता है, आप देख रहे हो एक लॉट जो है 5700 क्वांटिटी का आता है, तो यहाँ पर F&O में ये क्वांटिटी और लॉट डिफर करते हैं। अगर मैं आप इसको दो लॉट कर दूँ तो ये 11400 हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी करता हूँ, निफ्टी आपको पता है 75 की लॉट है, ठीक है, मेरा एक लॉट यानी 75 क्वांटिटी, दो लॉट करूंगा 150 क्वांटिटी हो जाएगा, राइट, चार लॉट करूंगा 300 क्वांटिटी हो जाएगा। तो कैश में और फ्यूचर में ये क्वांटिटी और लॉट का डिफरेंस देख लो, ठीक है। प्राइस आप किस प्राइस पे लेना चाहते हो, अगर आप मार्केट कर रहे हो तो वो जीरो हो जाएगा, बता दिया। क्लाइंट कोड आ गया, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोडक्ट। अब आप देखिए कि प्रोडक्ट के अंदर आपके पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, देखिए नॉर्मल, डिलीवरी, सेल फ्रॉम डीपी, वैल्यू प्लस, चार प्रोडक्ट्स है, मैं चारों प्रोडक्ट्स वन बाय वन समझा देता हूँ। एजिंग फिलहाल बंद है, ओके, या ओके ओके या सो या आई ट्राई टू गो लिटिल स्लो, या सो इट्स ओके। अब देखिए फॉर एग्जांपल अब मैं SBI बाय करना चाहता हूँ, तो मैंने SBI में डाल दिया बाय का ऑर्डर, क्वांटिटी मैंने लिख दी 100, प्राइस लेट्स से अब 184 चलता है लेकिन मुझे 180 पे लेना है तो मैंने यहाँ लिख दिया 180, ठीक है। अब प्रोडक्ट में नॉर्मल में क्या होता है कि आप इसके अंदर अगर आप SBI को लेट्स से आप नॉर्मल यानी आप इंट्राडे बोल के बाय कर रहे हो कि भाई आप इंट्राडे में लोगे, अगर आपका सेल हो गया इंट्राडे में तो ठीक है, नहीं हुआ तो वो आप डिलीवरी ले लोगे उसकी, तो उस वक्त आप बिकॉज यू आर अनश्योर तो आप क्या करोगे, आप नॉर्मल में बाय कर लोगे। उससे होगा ये कि जब 3:30 बजे तक अगर आपने इसको बेचा नहीं तो 3:30 बजे ऑटोमेटिकली आपका डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा, तो आप नॉर्मल ले सकते हो, ठीक।
बट लेट्स से कि आपने पहले ही अज्यूम कर लिया कि नहीं मुझे डिलीवरी ही लेना है, यानी मुझे इसको एज ए इन्वेस्टमेंट ही लेना है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप नॉर्मल की जगह उसको आप डिलीवरी कर दो. उससे होगा क्या कि जब आप इसको बाय ऑर्डर डालोगे तो ये डिलीवरी बोलकर बाय होगा, 3:30 बजे के पहले आप उसको बेच नहीं पाओगे, 3:30 बजे आपकी ये इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट हो जाएगा और आपके 2 दिन बाद आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा. ठीक है, नॉर्मल भी आप कर सकते हो. नॉर्मल में क्या होता है, आप इसको सेल के वक्त आप उसको नॉर्मल करके बेच दो अगर आप इंट्राडे कर रहे हो तो, नहीं कर रहे हो 3:30 बजे ये डिलीवरी में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल. अब बहुत से लोग जो है हमारे पास में इंट्राडे ट्रेडर्स है जो कि स्ट्रिक्टली इंट्राडे करते हैं और जिनको लिमिट की जरूरत है, लिमिट इन द सेंस लेवरेज की, यानी अगर उनके अकाउंट में 1,00,000 रुपया है लेकिन वो उससे ज्यादा की बाइंग करना चाहते हैं. तो हमारे पास एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है वैल्यू प्लस. अभी वैल्यू प्लस क्या करता है, लेट्स से मुझे SBI का, लेट्स से मुझे 1,00,000 का माल खरीदना है तो मैं 1,00,000 के हिसाब से यहाँ पे ऑर्डर डाल दूंगा, लेकिन मेरे पास में अकाउंट में 50,000 पड़ा है या लेट्स से मेरे पास में 20,000 पड़ा है. तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे अपने डीलर को फोन करना है, उसको उसके पास से मुझे एक्स्ट्रा लेवरेज लेना है. ठीक है, वो मुझे लेवरेज प्रोवाइड करेगा, फिर मैं बाइंग करूंगा. बट वैल्यू प्लस क्या करता है, आपको अप्रोक्सीमेटली 10 गुना ज्यादा बाय डिफॉल्ट लेवरेज दे देता है. यानी ये कैसे वर्क करता है, हम जो डीलर को फोन करते हैं और उससे लेवरेज मांगते हैं तो हमको 2 गुना 4 गुना एक स्पेसिफिक अमाउंट देता है. अब यहाँ पे वैल्यू प्लस में स्क्रिप्ट वाइज कंपनी ने डिसाइड करके रखा है कि कौन से स्क्रिप्ट में कितना गुना आपको एक्स्ट्रा एक्सपोजर मिलना चाहिए. जनरली बाय डिफॉल्ट ऑन एन एवरेज अगर आप देखोगे तो वो 10 गुना होता है. यानी अगर मेरे पास अकाउंट में 1,00,000 पड़ा है तो मैं SBI कम से कम बोल के भी 10,00,000 का मैं बाइंग कर सकता हूँ. तो उस वक्त मुझे वैल्यू प्लस बोलकर उसको बाय करना है. नॉर्मल या डिलीवरी नहीं करवाऊंगा, बिकॉज नॉर्मल और डिलीवरी में क्या होता है कि हमारे पास जितना कैश पड़ा है हम उतने का ही बाइंग कर सकते हैं, बराबर. लेकिन अगर आपको स्ट्रिक्टली इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप वैल्यू प्लस में लोगे. ये ऑप्शन वर्क कैसे करता है, आपको ये बाय डिफॉल्ट पहले 10 गुना लेवरेज ओपन कर देता है, उसमें से आपको जितना चाहिए आप उतना यूज कर लो. जैसे मुझे 5,00,000 का खरीदना है तो मैं 5,00,000 के हिसाब से ऑर्डर डाल के बाइंग कर लूंगा. सेल भी करते समय आपको फिर उस वक्त सेल साइड में भी आपको वैल्यू प्लस करके ही सेल करना होगा. ठीक है, ऐसा नहीं चलेगा कि आपने वैल्यू प्लस में बाय कर लिया लेकिन सेल करते वक्त आप नॉर्मल में कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा. तो ये ऐसा क्यों है, क्यों बता रहा हूं मैं, बिकॉज वैल्यू प्लस क्या करता है, .3:15 PM को यानी .3:15 बजे जो भी आपकी पोजीशंस वैल्यू प्लस में होगी उसको स्क्वायर ऑफ कर देता है. बिकॉज आपने कंपनी से 10 times, 8 times, 5 times एक्स्ट्रा एक्सपोजर लिया है, आप उसको कैरी तो कर नहीं सकते, कैरी तो सिर्फ आप अपने फंड्स का कर सकते हो. तो आप क्या करोगे, आप वैल्यू प्लस में बाइंग करोगे, बेचना हो तो वैल्यू प्लस में बेच दोगे. अगर आप नहीं बेच पाए किसी कारण से तो सिस्टम आपके बिहाफ पे 3:15 बजे जो भी प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस पे उसको स्क्वायर ऑफ कर देगा. ठीक है, तो जो इंट्राडे ट्रेडर होते हैं जिनका की कंसर्न होता है भाई मुझे कैरी नहीं करना है, कनेक्टिविटी इशू हो जाता है कई बार, वो सेल टाइम पे कर नहीं पाते जिसकी वजह से उनका कैरी हो जाता है, तो वो लोग वैल्यू प्लस में काम कर सकते हैं. ठीक है, वैल्यू प्लस में आपका 3:15 बजे पोजिशन निकल जाएगा, आप फ्री हो जाओगे. अगर आपने उसके अलावा कोई ऐसी पोजिशन ली है जो आपने नॉर्मल में या डिलीवरी में ली है वो आपका कैरी हो जाएगा, वो डिपेंड्स आपने लिमिट लेके किया है या आप अपने फंड्स पे कर रहे हो. तो ये प्रोडक्ट है. अब इसमें आप एक चीज देखिए कि हम जब बाय करते हैं तो हम नॉर्मल या डिलीवरी, ठीक है, इस तरह से बाय करते हैं. बाय के वक्त सेल फ्रॉम DP का ऑप्शन नहीं चलता. ये सेल फ्रॉम DP ऑप्शन वर्क करता है सिर्फ सेलिंग के वक्त. यानी अगर मुझे अगर कोई स्क्रिप्ट को सेल करना है तो मैं उस वक्त यहाँ पे सेल फ्रॉम DP लूंगा अगर वो मेरे इन्वेस्टमेंट में पड़ा है तो. लेट्स से मैं अपने इन्वेस्टमेंट में जाके देखता हूँ कि मेरे पास में SBI के लेट्स से 500 शेयर्स पड़े थे, उसमें से मुझे 100 शेयर्स बेचने हैं. तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं 100 शेयर्स का ऑर्डर लगाऊंगा, जो भी मुझे मार्केट पे बेचना हो या मुझे ऊपर के लेवल पे बेचना हो मैं वो डाल दूंगा और मैं उसको सेल फ्रॉम DP करूंगा. तो क्या होगा, उतनी क्वांटिटी मेरे डीमैट अकाउंट में से सेल हो जाएगी. ठीक है, 3:30 बजे आप मार्केट जब बंद होता है शाम को उसका सेटलमेंट होगा, ब्रोकरेज टैक्सेस अप्लाई होंगे और आपका वो डीमैट में से अगले दिन निकल जाएगा. ठीक है, तो बाइंग करते वक्त अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए बाय कर रहे हो तो आप डिलीवरी लीजिए. ठीक है, बाइंग करते वक्त आप डिलीवरी लीजिए और सेलिंग करते वक्त अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट में से बेच रहे हो तो आप उसको सेल फ्रॉम DP कीजिए. ठीक है, या क्या सेल फ्रॉम DP. सेम गोज फॉर वैल्यू प्लस. लेट्स से आपको पास कुछ लोग ऐसे ट्रेडर्स हैं जो इंट्राडे में शॉर्ट साइड में ट्रेड करके पैसा कमाते हैं. यानी जैसे फॉर एग्जांपल बजाज फाइनेंस आज बहुत ऊपर खुला, आपको ऐसा लग रहा है कि बजाज फाइनेंस आज गिरेगा, तो आप क्या करोगे, बजाज फाइनेंस को आप इंट्राडे में शॉर्ट कर दोगे. अब कई बार क्या होता है, लोग शॉर्ट करते समय लेट्स से मैंने इसकी 100 क्वांटिटी शॉर्ट कर दी और मैंने नॉर्मल में शॉर्ट कर दी, तो क्या होगा, अगर गलती से आपने 3:30 बजे उसको कवर नहीं किया तो आपका ये ऑक्शन में चला जाता है. बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ भी होगा कि वो कवर करना भूल गए या उनके डीमैट में नहीं था, उन्होंने सेल किया, आप उसकी डिलीवरी नहीं दे पाए तो उनका वो ऑक्शन में चला गया. राइट, तो आप क्या करेंगे, आप सेल का ऑर्डर खोलेंगे और आप प्रोडक्ट टाइप में आप ले लोगे वैल्यू प्लस. ठीक है,
वैल्यू प्लस लेने से क्या होगा, पहली बात तो आपको 10 गुना एक्सपोजर मिल गया, यानी अगर आपके अकाउंट में लेट से 10,000 था तो आप 1,00,000 का शॉर्टिंग कर सकते हो अभी, राइट। शॉर्ट साइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको टाइम टू टाइम उसको कवर करना है, 3.5 के पहले आपको किसी भी हालत में चाहे लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो आपको कवर करना है, तो वो चीज़ आपकी वैल्यू प्लस में होगी। कि 3.25 के पहले अगर आप उसको कवर नहीं कर पाए तो सिस्टम आपके भी आपको उसको कवर अप कर देगा, आपका हेडेक खत्म हो जाएगा। तो ये वैल्यू प्लस बहुत अच्छा टूल है, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो स्ट्रिक्टली तो आप वैल्यू प्लस में काम कीजिए। एक चीज सिर्फ ध्यान रखिए कि अगर आपके अकाउंट में डेबिट चल रहा है, यानी आपका आपके अकाउंट में जो भी बैलेंस होगा वो अगर माइनस में चल रहा है तो आप वैल्यू प्लस यूज नहीं कर पाओगे, बिकॉज क्योंकि अगर वो जीरो है या वो माइनस में है तो वैल्यू प्लस का प्रोडक्ट वर्क ही नहीं करेगा ना। अगर आपका बैलेंस ही जीरो है तो वो 10 गुना लिमिट किस पे देगा आपको, राइट। तो आपका बैलेंस अगर 10,000 है या 20,000 है तो उस पर फिर वो आपको 10 गुना या 12 गुना, कुछ कुछ स्क्रिप्ट में 15 गुना भी मिलता है। तो आपको एक बार क्रॉस चेक करवा लीजिए ऑफिस से कि कौन से स्क्रिप्ट में 15 गुना है, कौन से स्क्रिप्ट में 10 गुना है, या आप ऑर्डर प्लेस करके देख सकते हो। लेट से मुझे बजाज फाइनेंस का जैसे अभी 2,900 है या 3,000 रुपए का स्क्रिप्ट है वो, ठीक है, और मुझे उसकी 100 क्वांटिटी बाय करनी है, तो कितना हो गया, 3,00,000 का माल हो गया, ठीक है। अब लेट से मेरे पास में अकाउंट में सिर्फ 50,000 पड़ा होगा या समझो 10,000 पड़ा होगा, अब 10,000 के सामने मैं 3,00,000 का माल तो नहीं ले सकता। तो आप यहाँ पर आप ट्रायल करके देख सकते हो कि आप वैल्यू प्लस में आप 100 क्वांटिटी ले पा रहे हो क्या, आप 50 क्वांटिटी ले पा रहे हो क्या। तो आपको वैल्यू प्लस में मिल जाएगा कि आपको मैक्सिमम वो आपको कितना अलाउ कर रहा है, ठीक है। वैल्यू प्लस इज अ वेरी ग्रेट टूल, आप इसको इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आप यूज कीजिए, ये बहुत काम का है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं पार्टिसिपेंट कोड पे, ये हमारे काम का नहीं है, ये बेसिकली सिर्फ इंटरनल्स के लिए यूज होता है तो हम ये इसको इग्नोर कर सकते हैं। अगेन डिस्क्लोज क्वांटिटी सिर्फ उनके लिए होता है जो बहुत बड़े क्वांटिटी में काम करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप बजाज फाइनेंस में आप देख रहे हो कि सामने जो बायर क्वांटिटी है वो 297 क्वांटिटी लेके बैठा है, ठीक है। कई कुछ लोग होते हैं जो 10,000 1,00,000 क्वांटिटी में काम करते हैं, बट उनको स्क्रीन पे दिखाना नहीं है कि वो 1,00,000 क्वांटिटी खरीदना चाहते हैं, तो इन दैट केस वो लोग क्या करते हैं, यहाँ वो डाल देते हैं 1,00,000 क्वांटिटी, ठीक है, और डिस्क्लोज में वो डाल देंगे लेट से 10,000 क्वांटिटी, तो स्क्रीन पे सिर्फ 10,000 क्वांटिटी का बायर दिखेगा बट एक्चुअल बैकग्राउंड में 1,00,000 क्वांटिटी का बायर बैठा है। तो ये बायर और सेलर ये लोग थोड़ा सा अपना क्वांटिटी हाइड करने के लिए इसको यूज करते हैं, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। ट्रिगर मैंने आपको बता दिया, जब आप स्टॉप लॉस लेंगे तभी आपका ट्रिगर काम करेगा, वरना देखिए मैं इस पर क्लिक भी नहीं कर पा रहा हूँ, ये जीरो हो गया, ठीक है। ऑर्डर लाइफ के अंदर दो ऑप्शन है, एक होता है डे और सेकेंड होता है GTD, IOC फिलहाल काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो डे का मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा है ऑर्डर लाइफ। ऑर्डर लाइफ का मतलब क्या है कि जब मैं किसी स्क्रिप्ट के अंदर बाय का ऑर्डर प्लेस करता हूँ, जैसे भी आज लेट से आज मंडे है, लेट से अभी 2:30 बज रहे हैं, ठीक है, और मुझे SBI को बाय करना है, तो मैं क्या करूँगा, SBI में एक बाय का ऑर्डर लगाऊंगा, अपना प्राइस डाल दूंगा, वो नॉर्मल में है या डिलीवरी में है या वैल्यू प्लस में है, मैं वो स्पेसिफाई कर दूंगा। जब मैं उसको सबमिट करूंगा तो मेरा जो ऑर्डर लाइफ है यानी ऑर्डर की जो वैलिडिटी है वो 1 दिन की है, ठीक है। 3:30 बजे तक अगर वो प्राइस नहीं आता है तो ये ऑर्डर बाय डिफॉल्ट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो वैलिडिटी है वो सिर्फ 1 दिन की थी, दिन खत्म हुआ, मार्केट बंद हुआ, ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो आपका जो ऑर्डर है वो एक्सपायर हो गया, तो वो कैंसिल हो जाता है, ठीक है। GTD जो है ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। लेट्स से कि मुझे SBI अभी 184 चल रहा है, लेकिन मेरा ख्याल ऐसा है कि जब वो 170 आएगा तब मुझे उसको बाय करना है। तो हम क्या करते हैं, हम या तो हमारे ऑपरेटर को या डीलर को बोल देते कि भाई तुम रोज है ना इसका 170 का ऑर्डर लगा दिया करो, जैसे ही मार्केट खुलता है डेली आप उसको 170 का ऑर्डर प्लेस कर दिया करो, जिस दिन भी 170 आएगा उस दिन वो बाय हो जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, हम मैनुअली लगा रहे हैं, हमको रोज 9:15 याद से वो ऑर्डर प्लेस करना होगा, 3:30 बजे तक अगर वो नहीं आया तो ऑटोमेटिक कैंसिल होने ही वाला है। तो इसकी बजाय हम यहाँ पे इसको GTD लेंगे। GTD का फुल फॉर्म होता है गुड टिल डेट। यहाँ पर हमको उसको एक डेट स्पेसिफाई करनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं उसको 31 जुलाई की डेट दे देता हूँ, ठीक है। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ 31 जुलाई क्या आ रहा है, ओके इट्स फ्राइडे, या सो मैंने उसको 31 जुलाई का एक डेट दे दिया और मैंने उसको एक टाइम दे दिया, लेट्स से 15:29 यानी 3:30 से 1 मिनट पहले, ठीक है। और अब मैं उसको सबमिट करूंगा तो क्या होगा, 31 जुलाई तक डेली 9:15 ये ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस हो जाया करेगा, जो मुझे लेट्स से 170 पे लेना है, ठीक है। पूरा दिन वो ऑर्डर पेंडिंग रहेगा, अगर 3:30 तक वो प्राइस नहीं आता है तो ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा और नेक्स्ट डे मॉर्निंग में वापस 9:15 वो ऑर्डर वापस से प्लेस हो जाएगा, ओके ओके या ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, या तो डे ले सकते हैं। अभी जनरली क्या होता है, देखिए मैं जब कोई ऑर्डर फॉर्म खोलता हूँ, लेट्स से मैंने बजाज फाइनेंस का खोला, तो कुछ चीज़ें उसमें बाय डिफॉल्ट है, जैसे लिमिट बाय डिफॉल्ट आ गया, ठीक है, प्रोडक्ट टाइप बाय डिफॉल्ट आ गया, ठीक है, ऑर्डर लाइफ आपका बाय डिफॉल्ट आ गया डे, राइट। इसको अगर मैं समझू GTD अभी कर लूँ
तो मैं फिर इसमें डेट डाल सकता हूँ। अभी मैं इसमें आपको एक प्रॉब्लम दिखाता हूँ क्या है। अगर लेट्स से मैं इसको डाल देता हूँ लेट्स से 31st of August, ठीक है, 2 महीने आगे का, और फिर मैं इसमें डेट टाइम वगैरह डाल के सेट करता हूँ, तो ये ऑर्डर रिजेक्ट हो जाएगा। देखिए मैं इसको सबमिट करता हूँ, यहाँ पर एक आई बटन आया है, इसमें क्या दिखा रहा है, इनवैलिड गुड टिल डेट। इनवैलिड का मतलब क्या है, वो लंबा ऑर्डर लेगा ही नहीं, वो मैक्सिमम आपसे 1 महीने का ऑर्डर लेगा, यानी ज्यादा से ज्यादा आप महीने के एंड तक का आप डाल सकते हो, यानी आप 31 जुलाई का आप डाल दो, ठीक है, 31 जुलाई तक का आप ऑर्डर प्लेस कर दो, 31 जुलाई तक अगर वो प्राइस नहीं आ रहा है तो आप 31 जुलाई से फिर उसको वापस 1 महीना आगे एक्सटेंड कर देना, यानी आप बहुत लंबा 6 महीना, 3 महीना, 12 महीना, ऐसा बहुत लंबा ऑर्डर आप नहीं डाल सकते हो। ओके, तो ये हो गया आपका जीटीडी या फिर डे। अब एएमओ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग को दिन में टाइम नहीं मिलता है ऑर्डर प्लेस करने का, उनके लिए एएमओ बहुत अच्छा ऑप्शन है, जिसका फुल फॉर्म है आफ्टर मार्केट ऑर्डर। ओके, आफ्टर मार्केट ऑर्डर कैसे काम करता है, जैसे आज है संडे, अब कल मंडे है, कल मुझे इन स्क्रिप्ट्स में बाय के ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, बट मेरे पास कल 9:15 के बाद टाइम नहीं होगा, मैं हो सकता है अपने बिजनेस में लग जाऊं, मैं अपने जॉब में लग जाऊं, इट कैन बी एनीथिंग, राइट? या आई थिंक सुधीर सर इज सेइंग स्टॉप। सर अगर कुछ इशू है तो प्लीज चैट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। सो गाइज, इफ को अगर आपको कुछ भी इशू है, अगर कोई डाउट समझ में नहीं आ रहा है, आप उसको चैट बॉक्स में लिख दो, मेरे पास यहाँ पे वो ब्लिंक हो रहा है, तो अगर आपको कुछ भी इशू है मैं इमीडिएटली उसको वापस आपको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा। जैसे आपका बाय विंडो की में हो सकता है शायद आपको बाय विंडो में कोई डाउट आ रहा हो। ओके सर, एक बार आपका क्वेश्चन क्लैरिफाई कर दो। सुधीर सर, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप एक बार उसको चैट में डाल दो, मेरे पास वो ब्लिंक हो जाएगा, तो आपको लगे तो मैं वापस से उसको रिपीट कर दूंगा। ओके, सो अगर किसी को कुछ भी इशू है आप एक बार चैट बॉक्स में आप लिख दो, कोई इशू नहीं है। या जीटीडी के लिए सर एक महीने का टाइम होता है। या सुधीर सर, जीटीडी ऑर्डर्स जो होते हैं, जैसे आज तारीख है लेट्स से 5, तो मैं 5 तारीख से लेके मैक्सिमम उसको 5 अगस्त तक लगा पाऊंगा या 4 अगस्त तक लगा पाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं लगा पाऊंगा। जीटीडी का ऑर्डर जो है सिर्फ 28 या 30 दिनों का ही होता है, तो आप क्या कीजिए, आप जब भी जीटीडी लगाते हो आप 1 महीने का ऑर्डर लगा दिया कीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक स्क्रिप्ट दिखाता हूँ, देखिए हम लोग को पिछले कुछ दिनों से एक स्क्रिप्ट बाय करनी है जिसका नाम है लेट्स से आरकॉम। ओके, अब मैं यहाँ पे आरकॉम लगा देता हूँ। अब आरकॉम में इशू क्या हो रहा है, आरकॉम कंटिन्यूसली अपर सर्किट लग रहा है। ओके, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे आरकॉम को डेली बाय करना है। यस सर, जीटीडी के लिए मार्जिन चाहिए, बिकॉज आप जीटीडी इंट्राडे के लिए तो उस काम नहीं कर सकते, मतलब जीटीडी में सर वैल्यू प्लस के साथ जीटीडी काम नहीं करता है। यानी लेट्स से अगर आप बोलोगे कि मुझे कल मॉर्निंग में मेरा मेरे अकाउंट में 1 लाख रुपया है और मुझे 10 लाख की बाइंग करनी है वैल्यू प्लस में, तो मैं उसका जीटीडी ऑर्डर अभी लगा दूं, तो वो वैसे नहीं चलेगा। ये जीटीडी ऑर्डर सिर्फ इन्वेस्टर्स के लिए है। जैसे फॉर एग्जांपल आपके अकाउंट में 1 लाख रुपया है और आप चाहते हो कि कल मेरी 1 लाख रुपये की बाइंग हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए जीटीडी काम करता है। यानी वैल्यू प्लस और जीटीडी ये साथ में नहीं चलते, ठीक है। जीटीडी विल वर्क ओनली विद योर नॉर्मल ऑर्डर या आपका डिलीवरी ऑर्डर, ठीक है, जिसमें आप डिलीवरी में कुछ बाय करना चाहते हो, या आपके होल्डिंग में कोई ऐसा स्टॉक है, लेट्स से मेरे पास में होल्डिंग में बजाज फाइनेंस है और मैं उसमें से बजाज फाइनेंस को कल बेचना चाहता हूँ, मुझे लगता है कि कल वो शायद 3,000 रुपये खुलेगा तो मैं उसको बेच दूंगा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बजाज फाइनेंस का सेल विंडो खोलूंगा, अपनी क्वांटिटी डाल दूंगा, प्राइस डाल दूंगा, मुझे जिस प्राइस पे उसको बेचना है, ठीक है, मैं उसको सेल फ्रॉम डीपी कर दूंगा क्योंकि मुझे अपने डीमैट से बेचना है, और यहाँ पर मैं उसको जीटीडी कर दूंगा, ठीक है। अब जीटीडी के अंदर मैं उसका डेट स्पेसिफाई कर देता हूँ, लेट्स से मुझे अगले 5 दिनों तक वो ऑर्डर लगना चाहिए, तो अभी कल है समझो 6 तारीख, तो 6 से लेके फ्राइडे को आती है 10, तो अगले 5 दिनों तक मेरा वो ऑर्डर लगता जाना चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 10 तारीख स्पेसिफाई कर दूंगा, ठीक है, 10 जुलाई, और मैं एक टाइम दे दूंगा, ये बस उसको आपको एक स्पेसिफिक टाइम देना होता है, नहीं भी दोगे तो चलता है, आप उसको 00 रख सकते हो। अब देखिए आज संडे है, मैं आपको एएमओ की बात कर रहा था। एएमओ का ऑर्डर काम करता है जब मार्केट बंद हो जाता है, ठीक है, जैसे आज मार्केट बंद है, मैं आज एएमओ को टिक मार्क करूंगा और फिर मैं उसको सबमिट करूंगा, ठीक है। उसने मुझसे क्या क्या पूछा, मेरा क्लाइंट कोड कन्फर्म कर रहा है, एक्सचेंज कन्फर्म कर रहा है, स्क्रिप्ट नेम कन्फर्म कर रहा है, फिर मेरा प्रोडक्ट नॉर्मल है या सेल फ्रॉम डीपी, मैं लिमिट लगा रहा हूँ या मार्केट लगा रहा हूँ, ठीक है, ऑर्डर की लाइफ है जीटीडी, क्वांटिटी एंड प्राइस। अब मैं इसको जैसे यस करता हूँ, आप देखिए, अब क्योंकि मेरे पास बजाज फाइनेंस नहीं है तो वो नहीं ले रहा है मुझसे, बट लेट्स से मेरे पास में एक्सिस बैंक होगा, आई थिंक सो, या मेरे पास में एक्सिस बैंक है, राइट, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सिस बैंक के मुझे 10 क्वांटिटी बेचनी है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए एक्सिस बैंक की मैंने 10 की ऑर्डर लगाई,
ठीक है, 428 उसका क्लोजिंग प्राइस था, मुझे उसको 430 पे बेचना है, ठीक है, मुझे उसको नॉर्मल में नहीं बेचना, मुझे उसको सेल फ्रॉम डीपी करना है, तो मैं यहाँ सेल फ्रॉम डीपी ले लूंगा, ठीक है। ऑर्डर की लाइफ मैंने जीटीडी कर दी, यानी अगले 5 दिनों तक ऑर्डर लगता जाना चाहिए, तो 6, 7, 8, 9, 10 यानी 10 जुलाई तक रोज मेरा ऑर्डर वो प्लेस हो जाना चाहिए। एएमओ कर दिया, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, सबमिट दबाया और यस कर दिया। देखिए यहाँ पर क्या लिख कर आया, मेरा ऑर्डर का पूरा डिटेल आ गया और आगे लिख कर आया कन्फर्म, ठीक है, आप देख सकते हो नीचे कन्फर्म लिख कर आ रहा है, देखिए मतलब मेरा ऑर्डर प्लेस हो चुका है अभी, ठीक है। अब सिमिलरली मुझे, मेरे पास में लेट से कोई और स्क्रिप्ट है, लेट से मेरे पास में भारतीय एयरटेल होगा, ठीक है, अब मैं भारतीय एयरटेल लगाता हूँ। मैंने आपको बताया था कैसे लगाते हैं भारतीय एयरटेल, हम एक को पहले इंसर्ट दबाना है जिससे एक ब्लैंक पेज, एक ब्लैंक लाइन आ जाए, उसके बाद में हमको एंटर मारना है जिससे ये फॉर्म खुल जाए, ठीक है। हमारा एनएससी है, बीएससी है, वो क्या हमको सिलेक्ट करना है, टैब दबाना है, टैब दबाने से आप अगले पेज पे जाओगे, अगले बॉक्स में, ठीक है, फिर से आप टैब दबा दीजिए, यहाँ पे नाम में आप भारती टाइप कीजिए अगर आपको भारती लगानी है तो, ठीक है। अब भारती के नाम से स्क्रिप्ट्स आ गए, जैसे मेरा ये भारतीय एयरटेल है, ये लग गया, ठीक है, इसका क्लोजिंग प्राइस था लेट से 581। अब मुझे भारतीय एयरटेल को सेल करना है, तो मैं क्या करूँगा, हाउ टू चेक लिमिट ऑफ बाइंग थ्रू वैल्यू प्लस ऑर्डर, डू वी नीड टू सबमिट द ऑर्डर एंड ओनली कम टू नो हाउ मच वी कैन परचेस। नहीं शुभम, एक्चुअली क्या है, आपको हर एक स्क्रिप्ट के लिए कितना गुना एक्सपोजर मिलता है ये आपको एक बार पहले आप हमसे कन्फर्म कर लीजिए, यानी मैं क्या करूँगा, मैं मेरे एंड से एक बार चेक कर लूँगा कि कौन से स्क्रिप्ट में आपको वैल्यू प्लस में कितना आपको एक्सपोजर मिल रहा है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि 10 गुना, तो ये 10 गुना ऑन एन एवरेज है, यानी किसी स्क्रिप्ट में हो सकता है 20 गुना भी मिले, किसी स्क्रिप्ट में हो सकता है आपको 8 गुना मिले। अब कोई बहुत इलिक्विड स्क्रिप्ट होती है, जैसे आइडिया वोडाफोन वगैरह हो गया, ठीक है, मैं एक बार आइडिया लगा लेता हूँ, देखिए अभी बेसिकली एक पेनी स्टॉक बन चुका है, तो हो सकता है इसमें आपको 10 गुना नहीं मिले, क्योंकि इसमें जनरली सर्किट्स लगते रहते हैं, है ना। अब सर्किट लग जाएगा तो फिर आप वैल्यू प्लस को स्क्वायर ऑफ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वैल्यू प्लस का मेन काम क्या होता है, 3:15 बजे स्क्वायर ऑफ करना। तो अगर आपने 10 गुना लिमिट ले लिया और गलती से उस स्क्रिप्ट में सर्किट लग गया और आप उसको स्क्वायर ऑफ नहीं कर पाए तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसके लिए वो स्क्रिप्ट टू स्क्रिप्ट डिपेंड करता है कि किस में आपको कितना गुना एक्सपोजर मिलेगा। कुछ कुछ स्क्रिप्ट्स ऐसी है जिसमें वैल्यू प्लस काम ही नहीं करता, जैसे SPTL वगैरह जो छोटे हैं, जैसे आपका आलोक इंडस्ट्रीज, रुचि सोया, इस तरह के स्क्रिप्ट्स में तो आपको वैल्यू प्लस काम ही नहीं करेगा। बट बड़े स्क्रिप्ट जो है, ए ग्रुप वाले जो होते हैं, जैसे भारती है, आपका एक्सेस हो गया, फिर आपका टाटा मोटर्स या टाटा स्टील, जो ए ग्रुप स्टॉक्स है, उनमें आपको 10-15 गुना आपको लिमिट मिल जाएगा। ऑन एन एवरेज आप 10 गुना पकड़ के चलिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, जो भी आपके पास कैपिटल है उस कैपिटल का आप 10 गुना बाइंग या 10 गुना शॉर्टिंग आप कर सकते हो, ठीक है। अब आपके पास में मैं एक चीज सिर्फ आपको मैं कंफर्म कर दूं कि अगर आपके पास 1,00,000 रुपया है और आप 1,00,000 रुपए के सामने अपने 10 लाख का माल उठा लिया, बाद में फिर आप वैल्यू प्लस में, वैल्यू प्लस के अलावा आप नॉर्मल में कुछ नहीं बाय कर पाओगे, ठीक है। अब मेरे पास कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका इशू क्या आता है, लेट से उनको एक्सिस बैंक बाय करना है, अब उनके अकाउंट में पड़ा है 1,00,000 रुपया, तो वो क्या सोचते हैं, भाई मैं 1,00,000 रुपए का मैं एक्सिस बैंक उठा लेता हूँ, वो नॉर्मल में या डिलीवरी में उनको उठाना है। अब वो उन्होंने बाय कर ली तो उनका 1,00,000 रुपया रिजर्व हो गया, अब उनके पास अकाउंट में कुछ बचा ही नहीं, तो अब वो वैल्यू प्लस में काम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ऑन दी कॉन्ट्ररी, अब उसका उल्टा चलता है कि लेट्स से आपने एक्सिस बैंक इंट्राडे ट्रेड करना चाहते हो, 1,00,000 रुपया आपके अकाउंट में है, तो आपने क्या किया, 10 लाख का या 5 लाख का एक्सिस बैंक उठा लिया, ठीक है, तो अब आपका कैपिटल ब्लॉक हो चुका है, उसके सामने 10 गुना आपको एक्सपोजर मिला। अब आप अपना पैसा आपके नॉर्मल बाइंग के लिए आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले अपनी वैल्यू प्लस की पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा, उससे आपका मार्जिन खुल जाएगा, जैसे ही आपका बैलेंस खुल जाएगा फिर आप नॉर्मल बाइंग या डिलीवरी बाइंग जो है अब वहां पे आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप इतना सिर्फ आप ध्यान रखिए कि ये जो एएमओ है, ये एएमओ मार्केट के टाइम पे नहीं चलता, ये आफ्टर मार्केट चलता है। जैसे भारतीय एयरटेल का मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा था, जैसे मुझे भारतीय एयरटेल के लेट से 10 क्वांटिटी बेचनी है, 581 उसका क्लोजिंग था, बट मुझे उसको 590 पे बेचना है, तो मैं 590 डालता हूँ। नॉर्मल या सेल फ्रॉम डीपी, तो मैं सेल फ्रॉम डीपी कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एएमओ को टिक मार्क करूंगा और फिर उसको सबमिट कर दूंगा, तो उससे क्या हुआ, मेरा ऑर्डर यहाँ पे कंफर्मेशन आ गया, ठीक है, एएमओ कंफर्मेशन। अब 9:15 बजे मॉर्निंग में, मंडे को 9:15 बजे ये ऑर्डर्स एक्सचेंज को शूट होगा और एक्सचेंज पे जाके ऑर्डर प्लेस हो जाएगा, अगर वो प्राइस आता है तो आपका वो प्राइस पे एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बाय और सेल। अब मैंने आपको दिखा देता हूँ कि अगर आपने कोई बाय का ऑर्डर या सेल का ऑर्डर लगाया है तो उसको चेक कैसे करना है कि आपका वो ऑर्डर पेंडिंग है या नहीं। तो आपके कीबोर्ड के ऊपर आपको जैसे F1, F2 बाई के लिए था, F3 जो है ये आपका ऑर्डर बुक आता है, यानी आप F3 पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपका एक ऑर्डर बुक खुलता है जहाँ पे उस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में आपने कौन से ऑर्डर्स लगाए वो आपको दिखाता है, ठीक है। अभी एज ऑफ नाउ हमने क्या किया,
भारतीय एयरटेल में एक ऑर्डर लगाया, एक एक्सिस में ऑर्डर लगाया। अब जैसे मैं एक्सिस पे जाके F3 करता हूँ, देखिए मैं एक्सिस पे आके अगर F3 कर रहा हूँ तो मुझे एक्सिस का ऑर्डर दिखा रहा है। अब लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं दो चार स्क्रिप्ट्स में ऑर्डर्स लगा देता हूँ। लेट्स से आइडिया में 100 की बाय लगा देता हूँ, ठीक है, आई थिंक सो एट 10 रुपीज। ओके, आइडिया में एक लगा दिया, एक में SBI लगा देता हूँ, ठीक है, फॉर लेट्स से 185। ये एक लगा दिया, टाटा मोटर्स की मैं एक सेल लगा देता हूँ 100 क्वांटिटी, ठीक है, फॉर वट एवर प्राइस, ठीक है। अब मैंने क्या किए, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स में मैंने ऑर्डर्स लगा दिए, ठीक है। जैसे टाटा मोटर्स में जाके अगर मैं F3 करूंगा तो मुझे टाटा मोटर्स का एक ऑर्डर दिख रहा है, तो मैंने क्या किया, टाटा मोटर्स पे क्लिक करके F3 किया था। अगर मैं SBI पे जाके क्लिक करके F3 करूंगा तो मुझे SBI का ऑर्डर दिखेगा, ठीक है। F3 इज फॉर योर ऑर्डर बुक, ठीक है, यहाँ पे उसका नाम भी आ रहा है देखिए ऊपर, ऑर्डर बुक। एस्केप कर देंगे तो वो बंद हो जाता है। लेकिन आपको क्या देखना है कि आपने मल्टीपल ऑर्डर्स लगाए थे, सबको तो आप चेक नहीं कर सकते, तो आप क्या कीजिए, इंसर्ट बटन दबाइए। इंसर्ट बटन दबाने से क्या होता है, बीच में ब्लैंक लाइन आ जाती है, आप उस लाइन पे क्लिक कीजिए और फिर आप F3 दबाइए। ये देखिए, तो आपके जो भी ऑर्डर्स आपने प्लेस किए होंगे वन शॉट में दिखाएगा, क्योंकि आपने कोई पर्टिकुलर स्क्रिप्ट सिलेक्ट नहीं किया था, आपने ब्लैंक स्पेस पे जाके आपने अपने F3 दबाया तो आपका ये ऑर्डर बुक खुल गया। अब यहाँ से आप किसी भी ऑर्डर को आप राइट क्लिक करके या तो कैंसिल कर सकते हो, फर्स्ट ऑप्शन कैंसिल है, जैसे मुझे टाटा मोटर्स कैंसिल करना है, मैं उसको कैंसिल दबा के यस दबा दूंगा, मेरा टाटा मोटर्स का ऑर्डर जो है चला गया, देखिए, ठीक है। भारतीय एयरटेल का ऑर्डर समझो, लेट्स से मुझे मॉडिफाई करना है, तो मैं क्या करूंगा, उसको राइट क्लिक करूंगा, उसको मैं दबाऊंगा मॉडिफाई, तो वापस मेरा जो ऑर्डर फॉर्म था वो वापस आ जाएगा, देखिए, जो हमने अपने ऑर्डर प्लेस करते वक्त लगाया था। 10 की जगह लेट्स से मुझे 11 क्वांटिटी करनी है, 11 कर दिया, 590 की जगह मुझे 591 करना था, वो कर दिया, ठीक है, और फिर वापस मैंने उसको सबमिट कर दिया। अब आप देखेंगे मेरा, क्योंकि मेरा प्रोडक्ट था सेल फ्रॉम DP, अब मैं उसको चेंज नहीं कर पा रहा हूँ, देखिए, क्योंकि अब मैं ऑर्डर मॉडिफाई कर रहा हूँ ना, तो ना मैं उसको चेंज कर पा रहा हूँ और ना मैं अपना AMO को चेंज कर पा रहा हूँ, ठीक है। अब मैं सबमिट करता हूँ, पहले मेरे पास में 10 क्वांटिटी का ऑर्डर था 590 पे, राइट, अब मैं इसको सबमिट करूंगा, अब वो मेरा 11 क्वांटिटी का ऑर्डर बन गया 591 पे। अब मुझे ऑर्डर नहीं चाहिए, मैं उसको राइट क्लिक करके कैंसिल कर सकता हूँ। अगर आप माउस यूज नहीं कर रहे हो, अगर आपका हाथ कीबोर्ड पे है, तो आप क्या कीजिए, उस पर आप क्लिक कीजिए और आपके कीबोर्ड के ऊपर जो डिलीट बटन होता है आप वो डिलीट दबा देंगे तो भी आपका वो चला जाएगा। ये देखिए आपके कीबोर्ड पे डिलीट बटन है ना, आप डिलीट दबाइए और यस कर दीजिए या आप एंटर मार दीजिए, देखिए मैं एंटर मारता हूँ तो वो ऑर्डर भी चला गया आपका। अब लेट्स से आपके पास में मल्टीपल ऑर्डर्स लगे हुए, ठीक है, और फिलहाल अभी आपको कोई भी ऑर्डर ट्रिगर नहीं करना है, आपको सारे ऑर्डर्स कैंसिल करने, तो वन बाय वन कैंसिल करने के बजाय आप क्या करोगे, आप उसको राइट क्लिक करोगे और कैंसल ऑल मराओगे। कैंसल ऑल दबाने से क्या होगा, वो आपको पूछेगा कि प्लीज कंफर्म यू वांट टू कैंसल ऑल पेंडिंग ऑर्डर्स। अगर आपने उसको यस कर दिया तो होगा क्या, वन बाय वन वो आपके सारे ऑर्डर्स कैंसिल कर देगा, ठीक है। मैं एक बार एस्केप करता हूँ और वापस F3 पे आता हूँ, तो देखिए मेरे सारे ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर्स थे मेरे, जा चुके हैं, ठीक है। नीचे आपको देखोगे, नीचे आपको बॉक्स में कंफर्मेशन आ रहा है, देखिए कि यहाँ पर आपको भी पहले जैसे हम ऑर्डर प्लेस कर रहे थे तो कंफर्मेशन आ रहा था, जब हमने ऑर्डर को मॉडिफाई किया तो आ रहा था मॉडिफिकेशन, अब आ रहा है कैंसलेशन, अब आपके ऑर्डर्स कैंसिल हो चुके हैं। लेट्स से आपने किसी स्क्रिप्ट में आपने ट्रेड कर लिया, लेट्स से एक्सिस बैंक का आपने 10 क्वांटिटी उठा लिया या 100 क्वांटिटी आपने बाई कर लिया, सेल कर दिया, और आपको देखना है कि आपकी ट्रेडिंग कितनी हुई है। तो जैसे हमारे पास में F3 था ऑर्डर बुक के लिए, उसी तरह जो F8 है वो है हमारे ट्रेड बुक के लिए। तो मैं F8 पे जाता हूँ, ठीक है, फंक्शन F8, तो मेरा ट्रेड बुक खुल जाता है। अगर मैंने कुछ भी ट्रेड किया होगा तो मुझे वो यहाँ पे ट्रेड बुक में वो दिखा देगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपने, लेट्स से मैंने एक्सिस बैंक पे क्लिक करके F8 किया था तो मुझे एक्सिस बैंक का दिखा रहा है, ठीक है। मैं एस्केप कर देता हूँ, मैं किसी ब्लैंक स्क्रीन में ब्लैंक बॉक्स पे आऊंगा और फिर अगर मैं F8 करूंगा तो मैंने जिस किसी स्क्रिप्ट में ट्रेड किया होगा मुझे वो सारे स्क्रिप्ट के यहाँ पे नाम आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग कॉलम्स बने हैं जिसमें टर्मिनल ID, आपका नाम, कौन सी एक्सपायरी की थी, वो सारे आपको बॉक्सेस यहाँ पर आ जाएंगे। अभी हम कॉलम्स की बात करते हैं, जो ऊपर कॉलम्स आते हैं ना, ये कैसे वर्क करते हैं, ठीक है। तो अभी आप मेन पेज पे आओगे तो आपको दिख रहा है, देखो ऊपर एक्शन का बटन है, एक्शन के अंदर वापस बाय और सेल का बटन दिखा रहा है, देखो, ठीक है। तो आप बाय पे क्लिक करो, बाय विंडो आ रहा है, सेल पे क्लिक करो, सेल विंडो आ रहा है। लेट्स से आपको ये बटन चाहिए ही नहीं, आप कीबोर्ड से ऑपरेट करते हो और आपको ये जो कॉलम है ये नहीं चाहिए, तो आप क्या करना है, आपको एक्शंस पे क्लिक करके रखना है और उसको नीचे खींच देना है बस, ठीक है। आप देखोगे कि उस पर एक एक्स मार्क आ गया, जैसे ही आप माउस को छोड़ोगे तो वो बटन चला जाएगा, देखिए वो कॉलम ही पूरा का पूरा चला गया। अब एक्सचेंज, जैसे हम लोग ने फ्यूचर लगाया तो FO आ रहा है, NSE लगाया तो NSE आ रहा है। अब मैं फॉर एग्जांपल ऊपर गोल्ड सर्च करता हूँ, ठीक है, गोल्ड डाल दिया मैंने,
और यहाँ पे ग्रुप में मैंने डबल एक्स कर दिया, ठीक है। अब सॉरी, अभी आप लगता है क्लाइंट का एम सी एक्स एक्टिव नहीं है, मैं करेंसी ट्राई करता हूँ एक बार, USD INR। ओके, यहाँ पर मैंने डबल एक्स कर दिया। अब देखिए डॉलर के अंदर इतने सारे अपने पास 12 महीने की एक्सपायरी होती है ना। अब हमारा करंट मंथ कौन सा है, 29 जुलाई का है, तो मैं एक्सपायरी में यहाँ पे 29 टाइप करता हूँ, तो 29th वाली एक्सपायरी के सारे आ गए यहाँ पे। अब 29 के अंदर मुझे डैश करके 07 करना है, तो 29 जुलाई NSE एंड BSE दोनों स्क्रिप्ट आ गए, ठीक है। मुझे उसमें से NSE लेना है, मैं टिक मार्क करूंगा, बाहर क्लिक करूंगा, तो मेरा डॉलर का विंडो लग गया देखो, ठीक है। अब डॉलर के अंदर आपको पता है 1000 का लॉट होता है, अगर आप उसको बाय करते हो, लेट्स से मैं डॉलर के ऊपर F1 दबाता हूँ, तो आपका बाय आ जाएगा, वो 1000 का लॉट है, यहाँ पे फिलहाल एक ही दिखा रहा है, बट एक लॉट जो है 1000 क्वांटिटी का होता है, बाकी सारे आपके नॉर्मल वर्क करते हैं। इसको भी ऐसे ही है, अगर आपके पास में देखो डॉलर में डिलीवरी सेल फ्रॉम DP कुछ नहीं वर्क करता, तो यहाँ पे एक तो नॉर्मल आ रहा है और एक वैल्यू प्लस आ रहा है, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन से आप डॉलर को बाय या शॉर्ट कर सकते हो। अगेन वही आपका मार्केट लिमिट स्टॉप लॉस, वो तीनों आ गए। आपको ऑर्डर लाइफ डे रखनी है या GTD रखनी है वो आप डिसाइड कर लो, और AMO में लगाना है या नॉर्मल में करना है। ये आपके बेसिक बाय और सेल का मैंने आपको ऑर्डर फॉर्म बता दिया। इसमें और भी एडवांस चीज़ें हैं सेटिंग वगैरह में जाके, बट बिकॉज वो हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ नहीं करते तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है अभी, ठीक है। अब हम कॉलम की बात कर रहे थे, एक्सचेंज है, मुझे एक्सचेंज कॉलम नहीं चाहिए, मैं उसको क्लिक करके नीचे खींच देता हूँ, तो आपका एक्सचेंज चला गया। स्क्रिप्ट नेम है, नहीं चाहिए, नीचे खींच देता हूँ, चला गया, ठीक है। अब मुझे लेट्स से यहाँ पर स्क्रिप्ट का दो नाम है, एक शॉर्ट नेम एक फुल नेम। शॉर्ट नेम में देखिए सिर्फ USD INR लिखा है, फुल नेम में उसका नाम प्लस उसकी एक्सपायरी दोनों आ गई, ठीक है। इक्विटी में तो चलिए ठीक है, आरकॉम है आरकॉम लिखा है, एक ही बात है, एक्सेस है एक्सेस लिखा है, ठीक है। बट व्हेन इट कम्स टू फ्यूचर ऑप्शंस तो जरूरी होता है ना, निफ्टी निफ्टी क्या है वो फ्यूचर है ऑप्शंस है, तो मुझे समझो एक कॉलम नहीं चाहिए, मैं हटा देता हूँ। मुझे ये नहीं चाहिए, मैंने इसको भी हटा दिया। अब क्या हुआ, मैंने गलती से नाम का कॉलम हटा दिया, अब मुझे उसको वापस लाना है, तो मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे ऊपर एक 4 नंबर पे एक बटन बना है, शो हाइड ग्रिड कॉलम चूजर, ठीक है। 1 2 3 4 4 नंबर के ऊपर देखिए बटन बना हुआ है, इसको मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे नीचे राइट साइड में एक छोटा सा बॉक्स खुलेगा, जो जो कॉलम्स हमने यहाँ से हटाए थे वो सब यहाँ चले गए, देखिए वो हाइड हो गए ना। अब मुझे उसमें से फुल नेम वापस चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फुल नेम को क्लिक करूंगा, उसको खींच के लाऊंगा और वापस ऊपर लगा दूंगा, तो मेरा फुल नेम का बॉक्स यहाँ पर आ गया। अब जैसे एक्सेल के अंदर आप करते हो यहाँ से वहाँ कॉलम सरकाना, ठीक है, वही सब चीज़ें यहाँ चलती है। बाय रेट का कॉलम है, मुझे उसको राइट साइड में लेके जाना है, मैं राइट में लेके जा रहा हूँ, ठीक है। फिर मेरे पास में लेट्स से ट्रेड वॉल्यूम है, ट्रेड वॉल्यूम को मैं लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, इसको सरका के लेफ्ट में ले आया, मुझे ज़रूरत नहीं है तो मैंने उसको नीचे खींच दिया, तो वो चला गया। तो आप इस तरह से आप अपने बाय रेट जो भी आपको चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ओपन हाई लो क्लोज आपको पता ही है, जैसे मैं यहाँ इसको ऐसे कर लेता हूँ, देखिए ओपन 9:15 कितने बजे ओपन हुआ, हाई क्या गया लो क्या गया, क्लोज कितने पे हुआ था, ठीक है, ये सब चीज़ें आपको दिखाता है। आप धीरे धीरे आगे जाएंगे तो आपको और भी चीज़ें दिखेंगी, जैसे नेट चेंज है, यानी कल के क्लोजिंग से आज स्टॉक कितना ऊपर है कितना नीचे, वो नेट चेंज में दिखाता है, ठीक है। अपर सर्किट लोअर सर्किट, ये जैसे जैसे अभी आप ट्रेड करना स्टार्ट करोगे ना, जैसे आप ट्रेड करते हो तो आपको पता चलता है कि इन कॉलम्स के मतलब क्या है। तो जो कॉलम्स आपको ज़रूरी है, जो आपको डे टू डे बेसिस पर लगते हैं, उनको आप रख लीजिए। जो नहीं चाहिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मुझे ऑप्शन टाइप नहीं चाहिए, मुझे ओपन इंटरेस्ट नहीं चाहिए, फिर मुझे LTT नहीं चाहिए, वेट एवरेज नहीं चाहिए, मैं हटा दे रहा हूँ उसको। सब कुछ हो जाने के बाद आप एक बात ध्यान में रखिए कि आपको सेव करना है, ठीक है। ये पूरे लेआउट को अगर आप सेव करेंगे तो ही जब अगली बार आप लॉगिन करोगे तो आपको वो यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। लेट्स से मैं ये पेज को क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा ये पेज चला गया। अब मुझे ये पेज वापस लाना है तो मैं क्या करूँगा, हमने क्या किया था, स्टार्ट पे क्लिक करके क्रिएट किया था, अब उसकी जगह अब हम उसको करेंगे ओपन। ओपन करने के बाद क्या होगा, एक लिस्ट आएगी जिसमें देखिए मेरे नाम का पेज दिख रहा है, मैं उस पर क्लिक करके ओपन दबा देता हूँ, तो मेरा वो स्क्रिप्ट वापस आ गया जिसको मैंने सेव किया था। वही चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हो। अब लेट्स से कुछ लोगों को क्या है, कैश में भी ट्रेड करना है, फ्यूचर में भी ट्रेड करना है, करेंसी में भी ट्रेड करना है, तो वो लोग क्या करेंगे, एक ही पेज के ऊपर सब कुछ रखने के बजाय वो क्या करेंगे, सिर्फ कैश का स्क्रिप्ट अलग कर देंगे, फ्यूचर के लिए वो एक अलग पेज बनाएंगे, स्टार्ट पे जाएंगे, क्रिएट दबाएंगे, यहाँ पर वो टाइप कर देंगे FNO, ठीक है, इसको कर देंगे क्रिएट। अब यहाँ पे वो क्या करेंगे, अपने जो FNO के स्क्रिप्ट से वो लगा देंगे, जैसे निफ्टी है, मैंने ऊपर निफ्टी सर्च किया, ग्रुप में XQ लिखना है, बिकॉज अगर आप फ्यूचर लगा रहे हो तो आपको X लिखना है, अगर आप उसकी इक्विटी लगा रहे हो तो EQ लिखना है। अब उसमें आपके बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों आ गए, मैं निफ्टी को क्लिक कर देता हूँ, फिर मैं बैंक निफ्टी को भी क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, बाहर क्लिक करता हूँ तो मेरे दोनों स्क्रिप्ट वापस लग जाते हैं, ठीक है। मैं इसको बड़ा छोटा जैसे भी स्क्वीज करना हो, एक्सपेंड करना हो,
मैं इसे इसको एक्सपैंड कर सकता हूँ यहाँ पे सेंटर से पकड़ के, ठीक है, मुझे एल टी क्यू नहीं चाहिए, मैं एल टी क्यू हटा देता हूँ, राइट। और इसको सेव ज़रूर करना है, सेव करेंगे आपका ये लेआउट सेव हो जाएगा। अब देखिए एफ एंड ओ का एक पेज बन गया और एक मेरा तनय नाम का पेज बन गया, ठीक है। इस तरह से आप मल्टीपल पेजेस बना सकते हो, एक पेज के ऊपर मैक्सिमम आप 100 स्क्रिप्ट्स लगा सकते हो, उसके आगे नहीं जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम रखिए, क्योंकि जितने ज़्यादा स्क्रिप्ट्स होंगे आपका इतना उतना ही वो ज़्यादा इंटरनेट खाएगा, ठीक है, बिकॉज हर स्क्रिप्ट को रिफ्रेश करना है एवरी सेकेंड, तो आपका इंटरनेट का बैंडविड्थ बहुत जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम स्क्रिप्ट रखिए जितनी आपको ज़रूरत है। आप मल्टीपल पेजेस बना लीजिए बट एक पेज पे सारा मत भर के रखिए, ठीक है। तो मेरे पास में एफ एंड ओ हो गया। हम लोग ने बाई डिफॉल्ट क्या किया है, देखिए यहाँ पर हम लोग ने निफ्टी 50, निफ्टी 100, आपका बैंक निफ्टी, फिर आपके जो निफ्टी के बाकी के जो इंडेक्सेस है, निफ्टी मीडिया, निफ्टी आईटी, उन सब के हम लोग ने बाई डिफॉल्ट पेजेस बना के रखे हैं यहाँ पे। जैसे मैं बैंक निफ्टी पे क्लिक करता हूँ तो निफ्टी बैंक के अंदर जो भी स्क्रिप्ट्स है, ठीक है, 12 स्क्रिप्ट्स मिलाकर एक बैंक निफ्टी बनती है, तो वो 12 स्क्रिप्ट्स आ गए। आपको सिर्फ बैंक निफ्टी के स्क्रिप्ट्स में ट्रेड करना है, आप इस पे आ जाओ, आप उस पे क्लिक करो, बाय या सेल जो भी आपको करना है आप वो विंडो दबा दो, तो आपका वो बाय और सेल का ऑर्डर फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। आपको सेंसेक्स चाहिए, आप नीचे जाएंगे, अल्फाबेटिक है, आप सबसे नीचे जाएंगे, आपको सेंसेक्स के स्क्रिप्ट्स दिख जाएंगे। देखिए तो सेंसेक्स के अंदर जो 40 स्क्रिप्ट्स होते हैं ये वो स्क्रिप्ट्स यहाँ पर आ गए, ठीक है। सिमिलरली फिर आपका जैसे निफ्टी आईटी, निफ्टी फार्मा या निफ्टी मेटल या एनएससी बीएससी दोनों भी चीज़ें, जैसे निफ्टी, लेट्स से निफ्टी फार्मा में आ गया, तो निफ्टी का जो फार्मास्यूटिकल इंडेक्स है ये उसके स्क्रिप्ट्स आ गए, ठीक है। आपको नहीं चाहिए आप उसको क्लोज कर दो यहाँ से। तो ये आपका बेसिक मैंने आपको बता दिया, F1 इज फॉर बाइंग, F2 इज फॉर सेलिंग, F3 इज फॉर ऑर्डर बुक एंड F8 इज फॉर ट्रेड बुक। ये चार बटन्स आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, F1, F2, F3 एंड F8, ये चार बटन पे आपकी पूरी ट्रेडिंग ऑपरेशन चलता है, ठीक है। चार्ट्स बहुत से लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एक ऑप्शन है चार्ट्स का, देखिए यहाँ पे चार्ट्स आ रहे हैं। अब लेट्स से मुझे बजाज फाइनेंस का चार्ट देखना है, मैं चार्ट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो एक चार्ट का विंडो ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब बाय डिफॉल्ट ये लाइन चार्ट आता है, लाइन चार्ट यानी कि जो आपका 9:15 से 3:30 तक का लाइन चार्ट होता है ना, ये वो आता है, ठीक है। आई थिंक सो इसको लोड लेने में टाइम ले रहा है, ओके। सो या बिकॉज आज संडे तो मोस्ट प्रॉबली आज चार्ट लोड नहीं होगा, बट मैं आपको उसका बेसिक बता देता हूँ। कुछ लोगों को चार्ट देख के ट्रेड करना होता है, अब उनको कैंडल स्टिक के चार्ट चाहिए, उनको 10 मिनट का, 1 घंटे का कैंडल स्टिक चाहिए, तो वो कैसे लगाना है, आपको उसको करना है राइट क्लिक, आपको उसको जाना है चार्ट सेटिंग में, ठीक है। चार्ट पर आए, पहले राइट क्लिक किया, चार्ट सेटिंग में गए, यहाँ पर आपको चार्ट के सारे ऑप्शन आ जाते हैं, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको बताया कि लाइन चार्ट चल रहा है बाय डिफॉल्ट, राइट, आप उसको लाइन चार्ट की जगह पे आप उसको कर दो कैंडल स्टिक, और फिर आप उसको नीचे अप्लाई कर दो, तो क्या होगा, आपके ये कैंडल स्टिक्स बन जाएंगे, देखिए, ठीक है, एक एक कैंडल तैयार हो गया। अब ये कैंडल का, जो लोग कैंडल स्टिक में ट्रेड करते हैं या अलग जो लोग कैंडल चार्ट देखते हो उनको पता है एक कैंडल की वैलिड एक टाइम फ्रेम होता है कि ये एक कैंडल कितना टाइम स्पेसिफाई कर रहा है, तो आपको वो कैसे पता चलेगा, आप यहाँ पे नीचे कॉर्नर में देखिए, यहाँ पर आना है आपको, ठीक है, मैं इसको एक बार पहले जीरो कर देता हूँ, ठीक है। आपने कैंडल स्टिक सिलेक्ट किया, चार्ट सेटिंग में जाके नीचे जाना है आपको, और ये जीरो जो लिखा है 10, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वो पूछेगा 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट से लेकर 60 मिनट तक, और फिर नीचे है डे, वीक, मंथ, क्वार्टर, हाफ ईयरली एंड ईयरली, ठीक है। ये आपके एक कैंडल का टाइम फ्रेम जो है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। अभी कुछ लोग जो है जो सिर्फ 15 मिनट का कैंडल देखते हैं, तो हम 15 पे क्लिक करेंगे तो आपका एक कैंडल 15 मिनट्स का बन जाएगा, हर एक कैंडल के जो टाइम फ्रेम है वो 15 मिनट का आ गया, ठीक है। सिमिलरली आप उसको 30 मिनट्स कर सकते हो, तो आपने उसको 30 कर दिया, तो एक एक कैंडल अब 30 मिनट्स का बन गया, ठीक है। आप उसको बंद कर दो, आप एस्केप दबा के बंद कर दो। टाटा मोटर्स में लेट्स से हम चले जाते हैं, उस पर मैं चार्ट पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो टाटा मोटर्स का चार्ट आएगा, मुझे वापस नीचे जाना है और उससे मुझे जैसे मुझे 5 मिनट्स देखना हो, मैं 5 पे क्लिक कर दूंगा, तो मेरा एक कैंडल जो है 5 मिनट का खुल जाएगा, ठीक है। अब हम लोग ने क्या किया है, यहाँ पे आपको चार्ट्स पे स्टडी करने के लिए हम लोग ने काफ़ी सारे रेफरेंस पॉइंट्स दिए, मैं आपको उसमें से कुछ थोड़े बहुत दिखा देता हूँ। आपको चार्ट जूम इन करना हो, आपके जो माउस रोलर होता है उस पर आप रोलर ऊपर कीजिए, क्योंकि आपके माउस के ऊपर रोलर बटन होता है ना दोनों बटन्स के बीच में, उसको आप रोलर को ऊपर कीजिए, आपका कैंडल जो चार्ट है वो जूम इन होता जाएगा, ठीक है। आप माउस का रोलर नीचे करेंगे तो वो जूम आउट होता जाएगा, ठीक है, तो आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। किसी कारण से अगर आपका रोलर नहीं चल रहा है, कुछ लोगों का या तो लैपटॉप के ऊपर टच पैड होता है उस पर रोलर नहीं होता है,
तो यहाँ पे नीचे देखिए एक मैग्नीफाइंग माइनस और एक मैग्नीफाइंग प्लस, ये दो बटन दिए हुए हैं। तो आप मैग्नीफाइंग माइनस करोगे तो वो पीछे पीछे जाएगा, जूम आउट होगा। आप मैग्नीफाइंग प्लस करोगे तो वो जूम इन होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपका बेसिक चार्ट कैसे देखना हो गया। अब इसके अंदर हमने आपको एडिशनल फीचर्स जो दिए हैं, मैं आपको वो भी थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ। ठीक है, आपको करना है चार्ट पे राइट क्लिक, आपको जाना है चार्ट सेटिंग में। कुछ ऑप्शंस मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जो आप जिसको आप रखना है तो रख सकते हो, आपकी मर्जी। देखिए जैसे मैं आपको हॉरिजॉन्टल ग्रिड दिखा रहा हूँ। अब हॉरिजॉन्टल ग्रिड का मतलब क्या होता है, हर एक प्राइस के लिए एक लाइन बन जाती है। अब देखिए जैसे यहाँ पे कैंडल चल रहे हैं, अभी कौन से प्राइस से घूम रहे हैं हमको समझ में नहीं आ रहा है, हमको यहाँ देखना पड़ रहा है साइड में और फिर हमको जजमेंट लगाना पड़ रहा है। लेकिन अगर मैं हॉरिजॉन्टल ग्रिड के ऊपर टिक मार्क करता हूँ तो क्या होगा, हर एक प्राइस के लिए एक इमेजिनरी लाइन आ गई। देखिए यहाँ पे है ना, डॉटेड लाइन आ गई, तो मुझे पता चलेगा कि कौन से प्राइस पे वो फिलहाल कैंडल आके रुका हुआ है। ठीक है, बाकी आपको वो सेंटर पॉइंट्स आप माउस हिलाओगे तो दिखता रहेगा। सेम गोज फॉर वर्टिकल लाइंस। अब वर्टिकल ग्रिड कैसे काम करता है मैं आपको दिखाता हूँ। वर्टिकल ग्रिड पे अगर मैं क्लिक करके उसको सबमिट करता हूँ तो वर्टिकल क्या करता है, हर एक दिन को एक खड़ी लाइन से सेपरेट करता है। जैसे 2 जुलाई, 1 जुलाई, ठीक है, फिर आपका ये 30th of June, 29th of June, ठीक है, इस तरह से आपका आ गया। तो वर्टिकल ग्रिड क्या करता है, हर एक दिन को सेपरेट करता है, और हॉरिजॉन्टल ग्रिड क्या करता है, हर एक प्राइस को सेपरेट करता है। ठीक है, तो आप ये रख सकते हो आपके रेफरेंस के लिए, ये बहुत काम का है। गैप अप गैप डाउन आप देख सकते हो, अगला दिन कहाँ से शुरू हुआ, कौन से प्राइजेस पे जाके वो टच कर रहा है, कहाँ से वो घूम रहा है, आप देख सकते हो। जैसे जैसे आप अपना माउस हिलाओगे तो आपको राइट साइड में देखिए एक येलो बॉक्स दिख रहा है, वो आपको एक्चुअल प्राइस दिखा रहा है कि आपका वहाँ पर वो कौन से प्राइस पे आके माउस रुका हुआ है। ठीक है, थोड़े से एडिशनल फीचर्स में दिखा देता हूँ जो आपको बहुत काम आएंगे। चार्ट सेटिंग के अंदर ही पाइवट लेवल करके एक बटन है, देखिए ये पाइवट लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैंने मोतीलाल ओसवाल में क्या किया है, चार्ट्स में ना एक पाइवट लेवल बाय डिफॉल्ट लगाया है। देखिए ये पाइवट लेवल पे मैं आता हूँ और उसको मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो ये पाइवट लेवल क्या करता है, हर एक स्क्रिप्ट का एक सेंटर पॉइंट होता है जिसको हम पाइवट पॉइंट बोलते हैं, नीचे उसके 2 सपोर्ट्स और ऊपर उसके 2 रेजिस्टेंस, ये हर एक स्क्रिप्ट के लिए वो कैलकुलेट करके बाय डिफॉल्ट आपको लगा के दे देता है। ठीक है, जनरली क्या होता है, आपको पता है चार्ट जो है वो लेवल्स को फॉलो करते हैं। जैसे भी फॉर एग्जांपल टाटा मोटर्स है, आप देख रहे हो कि उसने एक सर्टन लेवल तोड़ा, फिर ऊपर आया, रेजिस्टेंस पे होल्ड किया, फिर वहां से गिरा, फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर निकल गया। तो ये कुछ लोग अपने पाइवट लेवल्स खुद तैयार करते हैं, हमारे लिए हम लोग ने क्या किया है, सिस्टम्स में उसको बाय डिफॉल्ट बना के दे दिया है। हर एक का अलग अलग तरीके से काम करता है। अगर मैं भारतीय एयरटेल का चार्ट देखूंगा तो भारतीय एयरटेल के लिए पाइवट थोड़ा अलग काम करेगा। ठीक है, मैं बजाज फाइनेंस का देखूंगा तो उसका थोड़ा अलग काम करेगा। तो ये हर एक के ये लेवल्स बने हुए हैं, R2 R1 जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, S1 S2 जिसको हम सपोर्ट बोलते हैं, और ये बीच में आपका पाइवट पॉइंट आ जाता है। तो ये आप काफी यूजफुल है आपके लिए, अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग वगैरह करते हो, मार्केट कहाँ से घूम रहा है आपको देखना होगा, तो आप ये रेफरेंस पॉइंट्स को आप फॉलो कर सकते हो। और भी एक्स्ट्रा चीजें हैं, जैसे वॉल्यूम बार्स है, वॉल्यूम बार को मैं अगर टिक मार्क करूँ तो यहाँ पे नीचे उसके वॉल्यूम आते हैं। कुछ लोगों को वॉल्यूम देखना होता है कि एवरी मिनट एवरी कैंडल पे क्या वॉल्यूम चल रहा है, वो मिल रहा है यहाँ पे। एक प्रीवियस क्लोज मतलब होता है एक इमेजिनरी व्हाइट लाइन आती है जो आपको प्रीवियस क्लोज दिखाती है। ठीक है, अगर मैं प्रीवियस क्लोज को टिक मार्क करता हूँ तो आप देखिए कि एक व्हाइट लाइन तैयार हो रही है, ये येस्टरडेज क्लोज को आज का आपको रेफरेंस पॉइंट दिखाता है। जैसे आज 2 तारीख की क्लोजिंग जहाँ हुई होगी वो वहां दिखाएगा, ताकि मंडे को क्या होगा, अगर आपका प्रीवियस क्लोज एक्टिवेटेड है तो फ्राइडे की क्लोजिंग कहाँ थी वो व्हाइट लाइन पे वो दिखती रहेगी आपको, तो वहां से आप आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हो। और भी डिटेल्स है, जैसे आप हमारे पास में इंटरनल स्टडी विंडो है, जैसे यहाँ पे देखिए डेट टाइम आपका दिखा रहा था ना, ओपन हाई लो क्लोज, ये कैसे काम करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं किसी पर्टिकुलर कैंडल पे आ गया, जैसे मैं ये कैंडल पे आ गया, अब इस कैंडल पे मेरा माउस है तो आप देखिए यहाँ पे राइट साइड में ना ओपन हाई लो क्लोज, उस कैंडल का ओपन हाई लो क्लोज क्या है वो यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, मैं किसी भी कैंडल पे चले जाऊँ तो देखिए वो चेंज होता रहता है, देखिए राइट। आपको ये इंटरनल स्टडी विंडो है, नहीं चाहिए तो आप क्या कीजिए, चार्ट सेटिंग में जाइए और ये इंटरनल स्टडी विंडो है इसको आप बंद कर दीजिए, रखना हो तो आप रख सकते हो। ठीक है, तो ये हमारा बेसिक चार्ट है। चार्ट के अंदर हम लोग ने स्टडी पैरामीटर्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिए हैं। कुछ लोग जो चार्ट फॉलो करते हैं, आपको पता होगा कि अगर आपको चार्ट पे स्टडी करनी है, कुछ लोग अपने ट्रेंड लाइंस बनाते हैं, मूविंग एवरेजेस लगाते हैं, RSI लगाते हैं, MACD लगाते हैं, तो ये सब लगाने के लिए आपको थर्ड पार्टी चार्ट्स लगते हैं जिसके लिए आप पे करते हो। हमारे टर्मिनल में वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है, आपको बस राइट क्लिक करना है, स्टडी मैनेजर में जाना है। स्टडी मैनेजर के अंदर जाके आप यहाँ पे ऐड बटन दबाइए, इतने सारे स्टडीज देखिए यहाँ पर आ गए, हम लोग ने सारे के सारे स्टडीज आपको दे के रखे। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे मूविंग एवरेजेस पे काम करते हैं, तो जैसे ये एवरेज पे चला, अब मैं आपको ये बाय डिफॉल्ट सिर्फ एक एग्जांपल के लिए दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने एवरेज पे डबल क्लिक किया
ठीक है, ये मैं मेरी खुद की स्टडी लगा रहा हूँ, जैसे मैंने इसको कर दिया एक्सपोनेंशियल, उसका पीरियड मैंने ले लिया 8, ठीक है, ये फिबोनाची नंबर्स हम फॉलो करते हैं इसलिए आ रहा है, और मैंने नीचे कर दिया ऐड, तो आप देखेंगे कि मेरे कैंडल्स के साथ में ना एक लाइन चल रही है, देखिए, ठीक है, इसको हम मूविंग एवरेज बोलते हैं, तो हम लोग ने उसको एक पीरियड स्पेसिफाई किया और इस पीरियड से वो लाइन तैयार हो गई। मैं और एक लाइन ऐड कर देता हूँ, मैं ऐड पे जाऊँगा, एवरेज को डबल क्लिक करूंगा, अब एक्सपोनेंशियल जो अपना फिबोनाची सीरीज होती है उसमें आपको आगे आगे के नंबर्स मिलते जाते हैं, फिबोनाची सीरीज होती है, तो उस सीरीज में जैसे मैंने जैसे पहले 8 लिया था, अब मैं 34 ले लेता हूँ, ठीक है, 50 भी आता है, 100 भी आता है, 34 लेके मैंने ऐड किया, ठीक है, और इसको मैंने क्लोज कर दिया, तो आप देखेंगे कि दो लाइंस अब साथ में चलने शुरू हो गए। ये जो बिगनर्स होते हैं ना वो लोग इसको फॉलो करते हैं, जैसे ये दो लाइन चल रहे हैं, जहाँ पे ये क्रॉस हुए वहां पर से आपका बाय जनरेट हो गया, ऊपर गया, फिर जहाँ पे ये क्रॉस हुए वहां पर आपका सेल जनरेट हो गया, तो ये मूविंग एवरेजेस को लोग यूज करके अपना ट्रेडिंग वगैरह फॉलो करते हैं, ठीक है, जहाँ पे भी लाइन एक दूसरे को क्रॉस इंटरसेक्ट करती है तो वहां पर उनका बाय या सेल का सिग्नल जनरेट हो जाता है। तो ये रेफरेंस के लिए है, इस तरह की आप अपनी और भी स्टडीज लगा सकते हो, ठीक है, आपको वो स्टडी नहीं चाहिए तो आप स्टडी मैनेजर में आप जाओ, उसको आप टिक मार्क कर लो और उसको आप कर दो रिमूव, तो जैसे ही आप रिमूव करोगे वो आपका स्टडी चला जाएगा वहां से, ठीक है, इसको मैं स्किप कर देता हूँ। तो चार्ट्स का कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, आप चार्ट्स ओपन कीजिए, आपके टर्मिनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, स्टडी उसके ऊपर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, आप वो लगाइए, बेस्ट है। अब दो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, एक है आपका बैलेंस और दूसरी आपकी होल्डिंग, ठीक है ना, कोई भी क्लाइंट जब ट्रेड करता है, कोई भी कस्टमर या ट्रेडर इन्वेस्टर होता है तो उनको ये जानना है ना कि मेरे पास बैलेंस कितना है अकाउंट में, तभी तो ट्रेडिंग करेंगे। तो बैलेंस के लिए एक शॉर्टकट है कंट्रोल, कंट्रोल बटन एंड एम बटन, ठीक है, कंट्रोल प्लस एम, ये आपका मार्जिन खोलता है, कंट्रोल प्लस एम, ठीक है, कंट्रोल एम आप करोगे तो एक पेज खुलेगा, आपको इस पेज पे सिर्फ पहले एक बार रिफ्रेश दबाना है, तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आएगा टोटल मार्जिन। अब ये टोटल मार्जिन के आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 640,000 लिखा है, बट 640,000 इज नॉट योर बैलेंस, आपको ये टोटल मार्जिन को डबल क्लिक करना है, जिससे यहाँ पे दो बॉक्सेस आ जाएंगे, देखिए कैश मार्जिन नॉन कैश मार्जिन, ठीक है, दोनों में फर्क क्या है, कैश मार्जिन जो है ये आपका एक्चुअल बैलेंस है, 6,13,497 रुपए, ये एक्चुअल आपके अकाउंट में बैलेंस चल रहा है। नॉन कैश का मतलब क्या है, कई बार आप ऑपरेटर को फोन करते हो और उसके पास से आप लेवरेज मांगते हो, मुझे 10,000 का लेवरेज दे दो, 50,000 का लेवरेज दे दो, ठीक है ना, मुझे एडिशनल ट्रेडिंग के लिए 1,00,000 रुपए दे दो, वो जब आपको वो अप्रूव होता है, जब वो आपको मिल जाता है तो वो यहाँ नॉन कैश में दिखाई देता है। तो लेट्स से आपके पास 6,13,000 है और ये 27,000 आपको एक्स्ट्रा मिल गया, तो ये टोटल मिला कि आपका 6,40,000 हो गया, ओके या ओके सर या सो कैश मार्जिन हो गया, नॉन कैश मार्जिन हो गया, दोनों का कंबाइन मिला के आपका टोटल मार्जिन हो गया, बट टोटल मार्जिन इज नॉट योर एक्चुअल बैलेंस, आपका एक्चुअल बैलेंस है कैश मार्जिन, जो आपको यहाँ पे डबल क्लिक करने पे ही दिखेगा। तो ये इसको एक्सेस कैसे करना है, आपको अपने कीबोर्ड पे दबाना है कंट्रोल प्लस एम, कंट्रोल एम दबाएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो दिखा देगा। सिमिलरली एक आपके पास में ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल एच का, कंट्रोल प्लस एच, दिस इज योर होल्डिंग। अब आपके पास में क्या क्या होल्डिंग्स है आपके डीमैट अकाउंट में वो आपको यहाँ दिखती है, जैसे आपका स्क्रिप्ट नेम, क्वांटिटी क्या है, ठीक है, आपका बाइंग एलटीपी यानी उसका भी मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, एलटीपी के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या हो गई, आपने किस प्राइस पे उसको बाई किया था, ठीक है, फिर आपकी इन्वेस्टमेंट वैल्यू क्या थी और प्रॉफिट लॉस कितना चल रहा है, ठीक है, तो ये आपको होल्डिंग में दिखाता है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जब सेल करते हो या बाय करते हो तो आपको सेल फ्रॉम डीपी करना है, जब आप अपने डीमैट से कुछ बेच रहे हो, राइट। अब देखिए जैसे बजाज फाइनेंस में मैंने सेल फ्रॉम डीपी किया था ना, तो उसने मेरा ऑर्डर लिया नहीं था, क्यों नहीं लिया था, क्योंकि मेरे होल्डिंग में बजाज फाइनेंस है ही नहीं, राइट, इसलिए उसने नहीं लिया, राइट। तो आपको चेक करना है कि आपके होल्डिंग में क्या क्या स्क्रिप्ट है और कितनी क्वांटिटी है और उस पे से ही फिर आपको उसको सेल करना है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हो तो ठीक है, फिर आप बजाज फाइनेंस को आप नॉर्मल में करके आप ट्रेड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो दिस इज योर बेसिक। अब मैं दो तीन कुछ एडिशनल चीजें ऐसी बता रहा हूँ जो न्यू क्लाइंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले कुछ महीनों में हमारे पास कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने बिना फॉर्म भरे हमारे पास अकाउंट ओपनिंग किया है, ठीक है। अभी तक मैंने जो भी बताया था ये सब कुछ उनके लिए था जो हमारे पुराने कस्टमर्स हैं जिनका फॉर्म फिलअप करके उन्होंने अकाउंट ओपनिंग किया है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग किया है, जिनने कोई फॉर्म नहीं भरा है। तो क्या होता है, जब आप कोई फॉर्म नहीं भरते हो ना, तो आप जो भी बाइंग करते हो वो आपके यहाँ पे होल्डिंग में नहीं आता है, ठीक है, यहाँ पे होल्डिंग में दिखाई नहीं देता, यहाँ पे कुछ भी नहीं आता है, यहाँ पे ब्लैंक होता है, बिकॉज
आपका बिकॉज मेरे पास कोई फॉर्म नहीं है तो मेरे पास आपका कोई पावर ऑफ अटोर्नी नहीं है. आप बाइंग करोगे तो आपके डीमैट में वो शेयर आ जाएगा, लेकिन जब आप सेल करोगे तो मोतीलाल ओसवाल के पास पावर ऑफ अटोर्नी नहीं है आपका, जिससे वो आगे सामने वाले बायर को वो स्टॉक दे सके, राइट? तो आपको क्या करना है, पहले आपको मोतीलाल ओसवाल को पावर ऑफ अटर्नी देनी है और आपको वो स्टॉक यहाँ लेके आना है, आपके होल्डिंग में आपको लेके आना है. एक बार वो यहाँ आ गया उसके बाद ही आपको उसको सेल करना है. जैसे ये जो क्लाइंट है इनके पास में कम से कम 50 होल्डिंग्स है, यानी 50 ऐसे शेयर्स है जिसमें उन्होंने बाइंग कर रखी है, लेकिन दिखा कितने रहा है, सिर्फ 6. तो क्यों सिर्फ 6 दिखा रहा है? क्योंकि उन्होंने सिर्फ 6 स्क्रिप्ट्स के लिए ही हमको पावर ऑफ अटर्नी दिया है, यानी इन 6 स्क्रिप्ट्स में ही वो सिर्फ हम सेलिंग कर सकते हैं. इसके अलावा हो सकता है उनके पास बजाज फाइनेंस बाय में पड़ा हो, बट वो यहाँ नहीं दिखा रहा है क्योंकि मेरे पास उसका पावर ऑफ अटोर्नी नहीं है. अगर ये इसके बिना ही मैं डायरेक्टली उसको बेच दूँ तो उनका हो सकता है ऑप्शन में चला जाए. अब ये चेक कैसे करना है कि मेरे पास में होल्डिंग क्या है, ठीक है? तो उसके लिए एक ऑप्शन है आपके पास में, शिफ्ट एंड क्यू, ठीक है? शिफ्ट एंड क्यू. शिफ्ट क्यू करने से क्या होगा, एक पेज खुलेगा जहां पर आपको आपकी इक्विटी होल्डिंग्स, आपके प्रॉफिट लॉस, आपका ट्रांजैक्शन सब कुछ यहाँ दिखता है, ठीक है? अब मैं देखिए यहाँ पे शिफ्ट क्यू दबाने से एक विंडो खुला, ठीक है, जिसमें मैं होल्डिंग, ट्रांजैक्शन, कैपिटल गेन्स सब आ रहा है. अब मैं पहले होल्डिंग दिखा देता हूँ आपको. होल्डिंग में ऑल आप देख सकते हो, अगर आपके पास शेयर्स, म्यूचुअल फंड सब कुछ है, या आप इंडिविजुअली देख सकते हो, आपके पास इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, F&O, म्यूचुअल फंड, जो जो भी आपके पास होगा. अब हम शेयर्स की बात करते हैं. मैं इक्विटी पर जाता हूँ तो देखिए इक्विटी के ऊपर इनके पास में ये सारी कंपनीज है, देखिए इतनी सारी इन्वेस्टमेंट इनके पास पड़ी. बट टर्मिनल पे क्या दिखा रहा है, सिर्फ ये 6. क्यों ऐसा? क्योंकि हमारे पास बाकी के सबके लिए पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है. देखिए बजाज फाइनेंस यहाँ पर 10 क्वांटिटी आ गया लेकिन वहां नहीं दिखा रहा था, राइट? या लेट्स से कोल इंडिया है, 140 क्वांटिटी पड़ा है, बट टर्मिनल पे आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है. अब इन दैट केस क्या करना चाहिए हमको, हमको इसको बेचना है? क्लाइंट बोलेंगे भाई मुझे 140 क्वांटिटी बेचना है, मेरा पावर ऑफ अटॉर्नी तो है नहीं, मेरे पास था वो शेयर लेकिन टर्मिनल पे दिखा नहीं रहा है. तो उस केस में हमको क्या होता है, हमको एक एलोकेट शेयर्स फॉर सेलिंग. देखिए हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे कंट्रोल यू का एक बटन है शेयर एलोकेशन का, ठीक है? उसका मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ. शॉर्टकट है उसका कंट्रोल एंड यू, ठीक है? कंट्रोल यू. देखिए मैं वापस इसको बंद करता हूँ, टर्मिनल पे आऊंगा, कंट्रोल यू. ओके, कंट्रोल यू से क्या होगा, एक पेज ओपन होगा जहां पे आप मोतीलाल ओसवाल को एक पावर ऑफ अटोर्नी दे रहे हो उस पर्टिकुलर शेयर को बेचने की, ठीक है? तो यहाँ पर जिन जिन स्क्रिप्ट्स का पावर ऑफ अटोर्नी नहीं है, नॉन अप्रूव्ड है, ये उनकी लिस्ट आ गई, देखिए, ठीक है? तो आप सब लेट्स से कि क्लाइंट चाहते हैं कि मैं अपना एशियन पेंट जो मेरे पास 16 क्वांटिटी में उसको बेचना चाहता हूँ, तो वो क्या करेंगे, यहाँ पे टिक मार्क करेंगे एशियन पेंट को, 16 क्वांटिटी अपनी वो डाल देंगे, ठीक है? नीचे जाएंगे और एंटर TPIN. अब ये जनरेट TPIN फिलहाल बंद है क्योंकि 15 जून को सभी के ईमेल आईडी पे जो TPIN है वो आ चुका है. अगर आपने अकाउंट ओपनिंग बिना फॉर्म के किया है, ठीक है, आपका मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है, तो आपको बाय डिफॉल्ट जो है TPIN 15 जून को आपके ईमेल आईडी पे आ चुका है. तो एक बार आप अपने ईमेल आईडी पे TPIN चेक कर लीजिए, ठीक है? अब जैसे इनका TPIN है, मैंने क्या किया, मुझे इनका एशियन पेंट का 16 क्वांटिटी सेल करना था, टर्मिनल पे आ नहीं रहा था, तो मैं यहाँ पर आऊंगा, 16 क्वांटिटी डाल दूंगा, नीचे जाऊंगा, एंटर TPIN दबाऊंगा. अब वो एंटर TPIN का पेज खुलेगा, ठीक है? वहां पर वो मुझे TPIN डालने के लिए पूछेगा, ठीक है? एंटर TPIN, मैं इनका TPIN डाल देता हूँ, ठीक है, और वेरीफाई कर देता हूँ, ठीक है? तो मेरा जो योर EDIS ट्रांजेक्शन इज सक्सेसफुली अप्रूव. अब देखिए, अब मैं यहाँ पर आऊंगा और एक बार इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो मेरा एशियन पेंट यहाँ आ गया. देखिए 16 क्वांटिटी यहाँ पर आ गया, पहले नहीं था ना, अभी आ गया. तो अगर मुझे सबका करना हो, अगर मेरे पास में मुझे सबके सब बेचना हो या मुझे सबको टर्मिनल पे चाहिए, तो फिर मुझे सबको टिक मार्क करना पड़ेगा, सबकी मुझे यहाँ पे क्वांटिटीज डालनी पड़ेगी और सबको मुझे यहाँ पे एंटर TPIN करना पड़ेगा, ठीक है? मैं एक वापस से आपको एक दिखा देता हूँ. लेट्स से मुझे, लेट्स से बजाज फाइनेंस ही बेचना है, लेट्स से एग्जांपल ले लेते हैं. अब अभी हमारे सिचुएशन में क्या हो रहा था, देखिए मैं आपको एक वापस से रिवर्स आता हूँ. बजाज फाइनेंस की लेट्स से मैंने 10 क्वांटिटी की ऑर्डर बनाई, उसका मैंने प्राइस डाल दिया 3000, मैंने उसको कर दिया सेल फ्रॉम DP यहाँ पे, ठीक है? AMO लगा दिया, ठीक है? सबमिट कर दिया और यस किया. वो क्या पूछ रहा था, रिजेक्शन, शॉर्ट सेलिंग नॉट अलाउड. मेरे पास अकाउंट में है फिर भी मैं बेच नहीं पा रहा हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे पास पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं है.
तो अब मैं क्या करूंगा, पहले मैं उस विंडो पे जाऊंगा जो मैंने आपको बताया था, कंट्रोल यू, टर्मिनल के ऊपर आपको कंट्रोल यू करना है, ठीक है। कंट्रोल यू से आपकी ये विंडो आ जाएगी, इस विंडो के ऊपर आपको टिक मार्क करना है बजाज पे या जो भी आपकी होल्डिंग है, 10 क्वांटिटी यहाँ पर आपको लिखनी है, ठीक है, जो भी आपके पास। लेट्स से मुझे मुझे कस्टमर ने बोला कि मुझे उसमें से सिर्फ 5 क्वांटिटी बेचनी है, मैं आपको सिर्फ 5 का पावर ऑफ अटॉर्नी दे रहा हूँ, तो वो क्या करेंगे, वो अपने टर्मिनल पे यहाँ पे 5 लिखेंगे, नीचे जाएंगे, एंटर टीपिन करेंगे, ठीक है, उनका टीपिन का बॉक्स खुल जाएगा, यहाँ पर वो अपना टीपिन डाल देंगे जो भी उनके मेल पर आया होगा और वेरीफाई कर देंगे, ठीक है। कौन सी स्क्रिप्ट हमने सिलेक्ट की है और कितनी क्वांटिटी डाली है वो नीचे मुझे एक बार कंफर्मेशन के लिए पूछ भी रहा है, देखिए, ठीक है, मैं वेरीफाई कर देता हूँ, मेरे को पॉपअप क्या आया, योर ईडीआईएस ट्रांजैक्शन इज सक्सेसफुली अप्रूव, ठीक है। टर्मिनल पे मैं जाता हूँ, कंट्रोल एच करता हूँ, कंट्रोल एच इज फॉर योर होल्डिंग, ठीक है, टर्मिनल पे कंट्रोल एच, यहाँ पर आपका आगे मैं उसको बस मुझे इसको रिफ्रेश करना है एक बार, और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा, देखिए मेरा बजाज फाइनेंस आ गया यहाँ पर, 5 क्वांटिटी का अप्रूवल दिया है तो 5 क्वांटिटी आ गई। अब मैं 5 क्वांटिटी का सेल ऑर्डर लगा सकता हूँ, मैं सेल में जाऊंगा, 5 लिखूंगा, ठीक है, 3000 का मैं प्राइस डाल देता हूँ जिसपे मुझे बेचना है, प्रोडक्ट को मैं कर देता हूँ सेल फ्रॉम डीपी, ठीक है, एएमओ ले लेता हूँ बिकॉज मैं अभी बंद मार्केट में लगा रहा हूँ ऑर्डर, सबमिट करता हूँ और यस कर देता हूँ। जैसे ही मैं यस करूंगा, देखिए मेरा कन्फर्मेशन आ गया यहाँ पे। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्होंने मेरे पास अकाउंट ओपनिंग किया है विदाउट फिलिंग अप एनी फॉर्म। आपने कोई फॉर्म नहीं भरा है, आपने मुझे कोई पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दिया है, आपने ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग किया है, तो आपको ये प्रोसेस कंपलसरी है। इसको अगर आपको अवॉइड करना है तो आप मेरे ऑफिस में आइए, आप वो पावर ऑफ अटॉर्नी का फॉर्म भर दीजिए, तो उससे क्या होगा, ये जो कंट्रोल यू वाला जो ऑप्शन है ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा, जो आपको बार बार आपको पावर ऑफ अटॉर्नी देनी है, ठीक है, तभी आप सेल कर पाओगे, ये ऑप्शन आपका हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। आप फिर आपके सारे होल्डिंग्स जो है बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सबके सब आ जाएंगे यहाँ पे, उसके लिए आपको फॉर्म फिलअप करना कंपलसरी है, ये सेबी का रूल है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि शिफ्ट क्यू में जो आपको बता रहा था, शिफ्ट क्यू, ठीक है, शिफ्ट क्यू क्या करता है, शिफ्ट क्यू आपको आपका वो पेज ओपन करके देता है जहां पे आपको आपकी होल्डिंग, ट्रांजैक्शंस, कैपिटल गेन, ये तीन चीजें आपको मिलती है। होल्डिंग मैंने आपको बता दी, आप जैसे होल्डिंग के इक्विटी पे गए, आपने डाल दिया यहाँ पर, आपका सारे होल्डिंग्स आ गए, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो आपके पास जो भी होल्डिंग्स होगी आपको सब दिख जाएंगे यहाँ पे। अगर आपके पास बहुत सारे होल्डिंग्स है तो आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हो यहाँ पे, बट ठीक है, क्वांटिटी आ गई, आपकी परचेस प्राइस, परचेस वैल्यू, मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू, ठीक है, यहाँ पर आपको दिखा रहा है अनरियलाइज्ड गेन लॉस, यानी किस में आपको कितना प्रॉफिट लॉस हो रहा है, आप उस पर क्लिक करोगे तो आप उसको सॉर्ट भी कर सकते हो, ठीक है, हाईएस्ट प्रॉफिट कहाँ है, हाईएस्ट लॉस कहाँ है वो देख सकते हो, वो पर्टिकुलर स्टॉक आपके पोर्टफोलियो का कितना परसेंट यूज कर रहा है वो यहाँ पे आपको दिखा रहा है, ठीक है, 1%, 5%, व्हाटएवर, हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं ना, तो हम पोर्टफोलियो में हम ये दिखाते हैं कि कितना परसेंट होना चाहिए, वो हो रहा है। प्रॉफिट लॉस आपके परसेंटेज वाइज आपको दिखा रहा है कि कितना परसेंट आपको प्रॉफिट या कितना परसेंट आपको लॉस दे रहा है, ठीक है, ये आपका बेसिक होल्डिंग में आके इक्विटी या करेंसी या कमोडिटी व्हाटएवर। आपको ये फाइल एक्सेल में चाहिए आप एक्सेल में डाउनलोड कर लो दबा के, पीडीएफ में चाहिए आप पीडीएफ में ले लो, तो वही उसकी पीडीएफ रिपोर्ट आपको कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगी। ट्रांजैक्शंस के अंदर वही इस वापस सेम चीज, जो भी आप बाय सेल करते हो उसके ट्रांजैक्शंस आपको देखने, जैसे मैं इक्विटी पे क्लिक कर रहा हूं, तो मैंने इक्विटी में फ्रॉम 1st April 2020 से लेके आज तक मैंने जो भी ट्रांजैक्शन किए हैं वो मुझे यहाँ दिखा रहा है, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन बहुत सारे हुए हैं तो मैं नेक्स्ट पेज पे जहां से जा सकता हूँ, सेकेंड पेज, थर्ड पेज, फोर्थ पेज, ठीक है, या फिर मैं इसको एक ही बॉक्स के ऊपर मैं डायरेक्ट 100 पे क्लिक कर दूंगा तो मुझे 100 ट्रांजैक्शन एक पेज पे आ जाएगा, उससे ज्यादा ट्रांजैक्शन होगा तो फिर वो नेक्स्ट पेज पे जाएगा, ठीक है। तो आप उसको अगेन आप इसको यहाँ पे आपको डेट वाइज आप सॉर्ट कर सकते हो, आप स्क्रिप्ट नेम के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो, सिर्फ बाय सिर्फ सेल के हिसाब से सॉर्ट कर सकते हो, और आप देख सकते हो कि आपने जो जो भी ट्रांजैक्शन किए थे वो कौन से तारीख को किए हैं, कौन से स्क्रिप्ट में किए हैं, कितना बाय कितना सेल, ठीक है, क्या प्राइस पे किया, क्या वैल्यू पे किया, ठीक है, ये सब कुछ आपको ट्रांजैक्शन में दिखता है, ठीक है। इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, एफएनडो के लिए भी सेम चीज़ है। अगेन आपको ये समझो, आपका अकाउंट बहुत पुराना हमारे पास चल रहा है, 2012 से होगा, 2014 से होगा, तो आप अपनी डेट यहाँ पे मॉडिफाई कर सकते हो। लेट्स से आपको देखना है कि मुझे 2015 से लेके आज तक का मुझे देखना है, तो आप डेट एंड मॉडिफाई करके गो कर दो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आपको सारे ट्रांजैक्शन उस पर्टिकुलर डेट से लेके आज तक के सारे आ जाएंगे, ठीक है। सेम गोज फॉर योर
कैपिटल गेन रिपोर्ट. अब कैपिटल गेन के अंदर ऑल इक्विटी, एफ एंड ओ, कमोडिटी, करेंसी, म्यूचुअल फंड सारे आ गए. ठीक है, कैपिटल गेन मतलब आपका जो प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट होता है उसमें आप समझो आपको इक्विटी देखना है या एफ एंड ओ देखना है या करेंसी देखना है. मैं समझो ऑल पे क्लिक कर देता हूँ. अब ऑल के अंदर वापस वही बात आ गई, बॉक्सेस पूछ रहा है मुझसे कौन से बॉक्स, मतलब कौन से तारीख से लेके कौन से तारीख तक. मुझे लेट से मुझे देखना है कि मैंने 2018 से लेके ओके 2018 से लेके अभी तक 5 जुलाई तक मेरा कितना प्रॉफिट लॉस हुआ है. मैं उतना करके उसको गो कर दूंगा तो वो मुझे यहाँ पे मेरा कौन से प्रोडक्ट है जैसे इक्विटी, एफ एंड ओ, करेंसी, वो सब आ जाएंगे और कितना मैंने प्रॉफिट लॉस कमाया है मेरा, वो सब यहाँ पर आ जाएगा. ठीक है, या आई थिंक इज देयर अ क्वेश्चन. या ओके सर, परफेक्ट. सो आपका प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट आ गई. मेन आपके लिए तीन चीजें इंपॉर्टेंट है, आपकी होल्डिंग्स, आपके ट्रांजैक्शंस और आपका प्रॉफिट लॉस रिपोर्ट. ठीक है, इसी को समझो अगर आप यहाँ पे एक्सेल में डाउनलोड करते हो. ठीक है, मैं आपको इसको लेट से मैं एक्सेल में डाउनलोड करता हूँ तो आपके पास एक एक्सेल फाइल जनरेट हो जाएगी जिसमें आप ओपन करके आप देख सकते हो कि आपने कौन से स्क्रिप्ट में कितना प्रॉफिट लॉस किया है. ठीक है, ठीक है, तो मेरे पास में वो आ गया कौन से स्क्रिप्ट में हम लोग ने ट्रेड किया है, कितना हमारे बाइंग वैल्यू, कितना हमारा सेलिंग वैल्यू, प्रॉफिट लॉस क्या है, ये सब कुछ हमको यहाँ पे दिखाता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ. ठीक है, यही सेम चीज़ आप पीडीएफ में ले सकते हो. ठीक है, अब ये तो हो गई होल्डिंग आपके आज की तारीख में क्या है, एज ऑफ नाउ आपका गेन लॉस क्या है, ट्रांजेक्शन क्या है. लेकिन कुछ लोगों को आईटीआर फाइलिंग के लिए ना पुरानी होल्डिंग रिपोर्ट लगती है जैसे 31 मार्च की. तो मैं क्या करूंगा, इधर होल्डिंग में जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा एज ऑन डेट होल्डिंग, इस पर क्लिक करूंगा. तो होगा क्या, मुझे लेट से मुझे पुरानी होल्डिंग देखनी है कि मेरा एक समझो लेट से एक महीना पहले या लेट से मेरा 30 जून को मेरे पास होल्डिंग क्या थी या लेट से 29 मई को मेरे पास होल्डिंग क्या थी. मैं 29 मई करके मैं गो करूंगा, उस पर्टिकुलर डे पे मेरी होल्डिंग जो थी वो मेरे सामने आ जाएगी जो भी हमारे पास में होल्डिंग थी. राइट, या मैं समझो 31 मार्च की रिपोर्ट लेना चाहता हूँ तो मैं 31 मार्च कर दूंगा. ठीक है, जैसे सीए को देना पड़ता है, गो करूंगा तो हमारे पास में 31 मार्च को अगर कुछ होगा अकाउंट में तो वो सारा आ जाएगा. ठीक है, एज ऑन दैट डेट हमारा गेन लॉस के हिसाब से वो हमको पूरा बता देगा उस दिन हमारे पास क्या था. ये आपका बेसिक आपका ये विंडो ऐसा है जिसमें आपको होल्डिंग, ट्रांजैक्शन, कैपिटल गेन तीन चीज़ें दिखा देता है. ठीक है, जितने भी ऑप्शंस मैंने आपको बताए हैं इनके शॉर्टकट्स अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे आइए और आपको सारे शॉर्टकट्स आपको यहाँ दिख जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस है, आप आफ्टर मार्केट आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हो. आज के दिन पे मैंने सिर्फ वही कवर किए हैं जो आपको डे टू डे बेसिस पे लगते हैं. जैसे मैंने आपको बाय सेल बताया, यहाँ पे बाय है F1 पे, सेल है F2 पे, फिर आपका ऑर्डर बुक है F3 पे, ट्रेड बुक है आपका F8 पे. ठीक है, मार्जिन आपको देखना हो यानी आपका बैलेंस देखना हो तो वो कंट्रोल M में दिखता है. ठीक है, होल्डिंग देखना हो तो आपको कंट्रोल H में दिखता है. ठीक है, शिफ्ट क्यू जो हम लोग ने अभी जस्ट विंडो ओपन किया था, शिफ्ट क्यू जहाँ पे हमको होल्डिंग्स, फिर आपके प्रॉफिट लॉस, वो आपका पोर्टफोलियो रिपोर्ट आपको माई पोर्टफोलियो शिफ्ट क्यू. एंड कंट्रोल यू इज फॉर दोज जिन्होंने हमारे पास में अकाउंट ऑनलाइन ओपन किया है, जिनका हमारे पास नॉन POA यानी नॉन पावर ऑफ अटॉर्नी क्लाइंट्स है, उनके लिए शेयर एलोकेशन विंडो जहाँ पर जाते हो आप शेयर्स पर टिक मार्क करते हो, OTP डालते हो, आपका TPIN डालते हो. ठीक है, ये TPIN आपको 15 जून को आपके मेल ID पे आया होगा, SMS के थ्रू भी आया होगा. ठीक है, वो TPIN अगर आप डाल दोगे यहाँ पे तो वो आपके स्क्रिप्ट जो है टर्मिनल विंडो पे आ जाएंगे. ठीक है, ये अपना बेसिक है. इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आई थिंक सो मैं नेक्स्ट सेशन में कवर करूंगा. एज ऑफ नाउ बेसिक यही था. सो अगर किसी के पास कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे चैट बॉक्स में डाल सकते हो, या फिर आप हैंड्स रेज कर सकते हो, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई एम ओपन, आई विल अनम्यूट राजेश सर एज वेल, जस्ट इफ यू वांट टू से एनीथिंग. ओके, सो आई एम अनम्यूटिंग राजेश सर. या वेल डन तने. या थैंक यू सर. मेन जो बार बार हम मैं भी रिक्वेस्ट कर रहा था, मैंने कुछ बहुत ज्यादा फास्ट गया आज. ओके, तो प्रॉब्लम ऐसा होता है जिनको बहुत ज्यादा नॉलेज हो जाता है ना उसको लगता है ये बहुत इजी है ना, लेकिन हमारे ज्यादातर इन्वेस्टर नए थे. लेकिन बेसिक जो भी चीजें हम दे सकते हैं या जो आपको टर्मिनल पे मिलता है उसकी जानकारी तने ने बहुत अच्छे ढंग से दी है. मैं समझता हूँ कि तुरंत सभी बात आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन इसमें से जो भी चीज आपको ऐसा लगता है कि आपके काम की है उस पे आप स्टडी कीजिए. उसमें जो डिफिकल्टी है आप तने से कभी भी मार्केट आवर्स, आफ्टर मार्केट आवर्स में आप बात करके उसका और डिटेल ले सकते हैं.
मेन जो इशू था ये था कि भाई हम हमारे पास सब चीज अवेलेबल है जो आपको एक अच्छे ट्रेडर के रूप में या एक अच्छे इन्वेस्टर के रूप में आपको जरूरत है. वेल डन तने, इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन टेक. या सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंटली दिस सेशन इज रिकॉर्डेड. मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये सेशन को रिकॉर्ड करके YouTube पे डाल दूं. मोस्ट प्रोबेबली बाय टुनाइट, आज रात तक ये इसका सेशन YouTube पे चला जाएगा एंड बाय मॉर्निंग आपको उसका लिंक मिल जाएगा. तो अगर आपने कुछ मिस कर दिया है, मैं देख रहा हूँ कि कुछ पार्टिसिपेंट्स बाद में ज्वाइन हुए थे, तो अगर आपने कुछ भी मिस किया है तो आप YouTube पे जाके इसको स्लो करके या आप पॉज करके देख सकते हो. फॉर माय नेक्स्ट सेशन आई विल ट्राई टू गो लिटिल स्लो. और भी टॉपिक्स कवर करने हैं, बट पहले मैं कोशिश करूंगा कि यही टॉपिक को एक बार वापस से नेक्स्ट वीकेंड में कवर कर लूं एंड देन वी विल प्रोसीड फॉर द एडवांस वर्जन. सो आई एम गेटिंग अ क्वेश्चन फ्रॉम आशीष, आर दीज फीचर्स अवेलेबल ऑन वेब प्लेटफॉर्म? सर, वेब प्लेटफॉर्म का इशू क्या है कि वेबसाइट पर जब आप जाते हो ना, तो काफी सारी चीजें वहां पे वो प्रोवाइड नहीं कर पाते बिकॉज वेब के ऊपर काफी सारे वो अगर डाल देंगे तो स्लो हो जाएगा वो. तो वेब के ऊपर और मोबाइल ऐप जो आप यूज कर रहे हो, एमओ इन्वेस्टर, एमओ ट्रेडर, वो उसमें क्या होता है कि हमको कोशिश करना होता है उसको जितना हो सके हम लाइट रखें ताकि आपको यूज करने में ज्यादा ईजी हो वो. ठीक है, तो इसके लिए हम लोग ने जो ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर बनाया इसमें सारे फीचर्स भर दिए हैं. वेब पे अगर आप जाओगे, मैं आपको वेब एक बार दिखा देता हूँ इंटरफेस कैसा दिखता है. ठीक है, जस्ट फॉर योर रेफरेंस, हमको करना क्या है, हमको जाना है motilaloswal.com पे. ओके, ऊपर आपको यहाँ पर आता है लॉग इन टू ट्रेड. ठीक है, ऊपर ही आपको फर्स्ट बटन है लॉग इन टू ट्रेड. लॉग इन टू ट्रेड में जाना है, अपना क्लाइंट कोड डालना है, जो भी आपका क्लाइंट कोड होगा, आपको अपना पासवर्ड डाल देना है. ठीक है, एंड इन्वेस्टर लॉग इन करना है. इन्वेस्टर लॉग इन जैसे आप करोगे, ये आपका वेब प्लेटफॉर्म खुल जाएगा. यानी अगर आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, कुछ लोग कंप्यूटर्स में लैपटॉप ऐसे यूज करते हैं जिसमें उनको रिस्ट्रिक्ट किया होता है कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, या कुछ लोग साइबर कैफे से या अपने ऑफिस के पीसी से एक्सेस कर रहे हैं जहां वो सॉफ्टवेयर नहीं डाल सकते, तो वो motilaloswal.com पे जाकर यहां पर वो लॉगिन कर सकते हैं. बेसिकली सारे सर्विसेज यहीं पर भी है. ठीक है, जो भी आपके टर्मिनल पे है, आप यहाँ पे ट्रेडिंग में जाएंगे, आपको यहाँ पर आपका ऑर्डर बुक, ट्रेड बुक दिख जाएगा, मार्जिन समरी जो मैंने कंट्रोल एम बताया था वो दिख जाएगा, रिपोर्ट्स में आप जाओगे तो आपके डीमैट होल्डिंग, ठीक है, डीमैट होल्डिंग जो मैंने दिखाई थी आपको, कौन सी होल्डिंग्स है आपके पास, फिर उसके अलावा आपके पास में आपका लेजर आपको देखना हो, कॉन्ट्रैक्ट नोट देखना हो, वो सब चीज़ें आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हो. म्यूचुअल फंड्स कर सकते हो. म्यूचुअल फंड एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं अगले सेशन में कवर करूंगा बिकॉज ये एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है. म्यूचुअल फंड में SIP वगैरह कैसे करते हैं, लमसम कैसे करते हैं, वो सब भी आपको यहाँ मिल जाएगा. जो मैंने आपको ये बताया था, जो आपका शिफ्ट क्यू जो बताया था जिससे पोर्टफोलियो ओपन होता है, वो आप यहाँ रिपोर्ट्स में जाके डिटेल रिपोर्ट में जाओगे तो आपको शिफ्ट क्यू वाला ऑप्शन यहाँ पर आपको आ जाएगा. देखिए, आप दो मिनट रुकेंगे, देखिए होल्डिंग, ट्रांजैक्शन, कैपिटल गेन, राइट, वही सब चीज़ें जो आपके टर्मिनल पे थी शिफ्ट क्यू पे, वही सब चीज़ें आपको यहाँ पर आ गई. ठीक है, बाकी और भी चीज़ें हैं यहाँ पर. आप अपना क्लाइंट का, आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप अपडेट कर सकते हो. यहाँ पे ऊपर एक क्लाइंट अपडेट प्रोफाइल करके एक बटन है, यहाँ पर आप जाओगे तो आप अपना ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर जो है आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स उसको आप अपडेट कर सकते हो. तो ये आपका बेसिक आपका वेब इंटरफेस है. ओके, सो देयर इज एनी क्वेश्चन? So, for buy delivery, but I want to sell in the same day, can I do it? Yes, ma'am, you can do it. Nidhi ji का एक question है कि अगर मैं गलती से delivery करके buy कर लूँ और मुझे उसको same day निकालना है तो क्या होगा? बिल्कुल कर सकते हो, कोई issue नहीं है. देखिए, ये मैंने आपको just एक basic बताया था. Let's say मैंने कोई script को मैंने 10 quantity डाल दिया, ठीक है, और मैंने उसका price डाल दिया and मैंने उसको कर लिया delivery buy, ठीक है, तो वो डिलीवरी बेसिकली वो बाय हो चुका है मेरे, शाम को मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएगा. बट एट द सेम टाइम मैं उसको इंट्राडे में मैं उसको सेल कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है. उतनी क्वांटिटी अगर आपने बाय की है और उतनी अगर आप सेल कर रहे हो तो वो 3:30 के पहले वो दोनों, और आई थिंक 3:30 के बाद में शाम को वो दोनों एडजस्ट हो जाती है. ठीक है, अब बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन क्या है कि मुझे इंट्राडे बाय नहीं करना है, या अगर मैं इंट्राडे बाय कर लूँ और बाद में मैं उसको डिलीवरी करूँ तो क्या मुझे इंट्राडे का भी ब्रोकरेज लगेगा और क्या मुझे डिलीवरी का भी लगेगा? तो बेसिकली आप इतना समझ लो कि जब आप किसी स्क्रिप्ट को बाय या सेल करते हो ना, उस वक्त आपको ब्रोकरेज नहीं लगता है. ब्रोकरेज आपको चार्ज होता है शाम को 6:30-7 के आसपास, जब इसकी पूरी फाइल तैयार होती है, राइट? तो आज आपने इंट्राडे में जो भी ट्रांजैक्शंस किए, उसमें से कुछ ट्रांजैक्शंस को आपने इंट्राडे में स्क्वायर ऑफ कर दिया, किसी को आपने कैरी किया, किसी को आपने सेल फ्रॉम डीपी करके अपने डीमैट से भेज दिया, इन सब का सेटलमेंट शाम को होता है. और फिर वो ट्रांजैक्शन के बेसिस पे कौन से स्क्रिप्ट में क्या क्या ब्रोकरेज लगना चाहिए वो शाम को डिसाइड होता है,
और रात को आपने ऑब्जर्व किया होगा, आई थिंक सो 9:30 या 10 o'clock के आसपास आपको उसका कॉन्ट्रैक्ट नोट मेल पे आता है, उसमें आपको सब कुछ डिटेल दिखता है। तो अगर आप इंट्राडे में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो कोई दिक्कत नहीं है। ये नॉर्मल और डिलीवरी का मैं आपको एक छोटा सा बात बता देता हूँ। जैसे कुछ कुछ बहुत इलिक्विड स्क्रिप्ट होते हैं, जैसे SPTL वगैरह स्क्रिप्ट है, या जैसे मैंने आपको आरकॉम दिखाया, ये सिंटेक्स प्लास्टिक करके स्क्रिप्ट है, SPTL आरकॉम, ठीक है। इनमें क्या होता है, इनमें ना हम नॉर्मल में बाइंग नहीं कर सकते। जैसे SPTL है फॉर एग्जाम्पल, मुझे इसको लेट्स से 3.5 रुपए का शेयर होगा, मुझे उसकी 1000 क्वांटिटी बाई करनी है 3 रुपए पे, तो मैं उसको नॉर्मल में नहीं ले सकता, बिकॉज ये एक इलिक्विड स्क्रिप्ट है। ये सिर्फ कैश एंड कैरी वाले स्क्रिप्ट होते हैं, इसमें आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। इन दैट केस आप नॉर्मल करके बाई करोगे तो आपका ऑर्डर नहीं जाएगा, आपको डिलीवरी ही बाई करना है। और इसमें फिर अगर आपने डिलीवरी बाई कर ली तो फिर आप इसको इंट्राडे में बेच नहीं पाओगे, बिकॉज इसमें इंट्राडे होता ही नहीं है। तो इन दैट केस हम लोग ने नॉर्मल डिलीवरी, सेल फ्रॉम डीपी, ये सब करके रखा है। और ऐसे इलिक्विड स्क्रिप्ट के अंदर वैल्यू प्लस ऑप्शन काम नहीं करेगा, ठीक है। तो वो आप ट्रेडिंग करते वक्त, जब आप जिस स्क्रिप्ट में आप ट्रेड करते हो तो आप देख लीजिए कौन सी कैटेगरी का है। एंड ओके, ये हो गया। ओके, या आशीष सर, थैंक यू सो मच। एंड इफ वी सेल इन नॉर्मल, कैन इट बी कंट्रोल्ड टू डिलीवरी? सर, अगर आप नॉर्मल में सेल करते हो, ये क्वेश्चन संकेत सर ने पूछा है कि अगर हम नॉर्मल में सेल करते हैं तो क्या वो डिलीवरी में कन्वर्ट होगा। सर, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके दो पार्ट्स है, प्लीज दोनों पार्ट समझ लीजिए। एक पार्ट है उनके लिए जिनका मेरे पास पावर ऑफ अटोर्नी है। ये पावर ऑफ अटोर्नी मैं आपको बार बार इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज सेबी का रूल आया है, और पावर ऑफ अटोर्नी वाले जो क्लाइंट्स है और जो नॉन पावर ऑफ अटोर्नी वाले क्लाइंट्स है, उनको बहुत केयरफुल रह के इसमें सब में ट्रांजेक्शन करने हैं। अगर आपने मेरे पास फॉर्म के थ्रू अकाउंट ओपन किया है, तो अगर आप उसको आपने क्या किया है, मेरे पास आपने ऑलरेडी पावर ऑफ अटोर्नी दे दिया है जब आप फॉर्म के थ्रू अकाउंट ओपन करते हो। या लेट्स से इन दिस केस, इन्होंने मुझे एशियन पेंट्स का, बजाज का, इन्होंने मुझे पावर ऑफ अटोर्नी दे दिया अभी, ठीक है। ये टेम्प्रेरी पावर ऑफ अटोर्नी उन्होंने मुझे दे दिया ओटीपी के थ्रू। अब अगर मैं बजाज फाइनेंस को 10 क्वांटिटी या 5 क्वांटिटी का सेल लगाता हूँ और नॉर्मल में सेल करता हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, राइट। 3:30 के पहले मुझे बजाज फाइनेंस को कवर करना है। किसी कारण से अगर मैं 3:30 बजे इसको कवर नहीं करता हूँ, तो सिस्टम क्या करेगा, उसको ऑटोमेटिकली सेल फ्रॉम डीपी में कन्वर्ट करेगा और चेक करेगा कि मेरे डीमैट अकाउंट में वो बजाज फाइनेंस है या नहीं है। मेरे डीमैट अकाउंट में 5 बजाज है, लेकिन मैंने शॉर्ट कर दिया 10, ठीक है। मैंने उसको 10 क्वांटिटी को मैंने शॉर्ट कर दिया, नॉर्मल में शॉर्ट किया इंट्राडे बोल के ऑब्वियसली, एंड उसको मैंने कवर करना भूल गया। तो 3:30 के बाद क्या होगा, जो 5 क्वांटिटी मेरे डीमैट में है वो निकल जाएगा और बाकी का 5 मेरा ऑप्शन में चला जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपके टर्मिनल पे आप देख लीजिए आपके पास होल्डिंग में कितना है। यहाँ पर आपको कंफर्म नहीं दिखेगा, आपको वहां पर आपके होल्डिंग रिपोर्ट में जाके देखना पड़ेगा, जहां पर आपका इक्विटी होल्डिंग आती है उसको आप देखिए। अगर आपका पावर ऑफ अटोर्नी है तो फिर आप बिंदास सेल कीजिए, कोई इशू नहीं है, नॉर्मल में आप सेल कीजिए, डिलीवरी कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका पावर ऑफ अटोर्नी नहीं है और आपका आपने मुझे POA भी नहीं दिया है, और फिर भी अगर आप शॉर्ट सेल कर रहे हो, तो आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा। सो माई हम्बल रिक्वेस्ट कि आप पावर ऑफ अटोर्नी जो है वो करवा के ले लीजिए, लॉन्ग रन में ये बहुत यूजफुल है। ओके, शुभम सर इज आस्किंग, यू सेड इफ यू बाय अ शेयर फॉर डिलीवरी यू कैन नॉट सेल ऑन द सेम डे। यस सर, एक्चुअली क्या होता है, कई सारे शेयर्स ऐसे हैं जिनको हम नॉर्मल में बाय नहीं कर सकते। शुभम सर का क्वेश्चन है कि हम अगर उसको डिलीवरी बोल के बाय कर ले तो हम सेल नहीं कर पाएंगे। ये सभी स्क्रिप्ट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये मैंने आपको उन्हें जनरल टर्म बोला है। लेट्स से जैसे SPTL, आरकॉम, या आपका जैसे रुचि सोया आजकल बहुत हॉट स्टॉक है, जो आई थिंक सो कंटिन्यूस लोअर सर्किट भी लग रहा है उसको। सो ऐसे जो स्क्रिप्ट होते हैं ना, इनमें आप बाइंग नॉर्मल में कर ही नहीं सकते। इनमें अगर आपको बाइंग करना हो तो आपको डिलीवरी ही बाइंग करना होगा, ठीक है, आरकॉम जैसी स्क्रिप्ट या इस तरह की। इन दैट केस एक बार आपने उसको डिलीवरी में बाय कर लिया तो फिर आप उसको नॉर्मल में बेच भी नहीं पाओगे, बिकॉज इन स्क्रिप्ट्स में इंट्राडे अलाउड ही नहीं है, राइट। इवन इसमें अगर ट्रेडिंग हो रहा होगा, अगर सर्किट नहीं लगा होगा, तो भी आप इस स्क्रिप्ट के अंदर आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। तो आप डिलीवरी बाय कर लोगे और फिर समझो वो बढ़ गया, फिर आप बोलोगे कि नहीं मुझे तो अभी उसको बेचना है सेम डे में, वो नहीं कर सकते, ठीक है। सो इन केसेस में आपको ऑप्शन डिलीवरी ही लेना है। ऐसे स्क्रिप्ट के अंदर आप जनरली ऑब्जर्व करोगे, जैसे SPTL स्क्रिप्ट ने आप एक बार ऑर्डर डाल के देखना, आप उसमें नॉर्मल में बाय कर भी नहीं पाओगे। जैसे SPTL या आरकॉम में अगर मैं बाय करने जाऊं, या सुजलॉन भी एक पेनी स्टॉक है, मैं सुजलॉन लगा लेता हूं, राइट। इस तरह के स्टॉक्स में है ना, आप जब बाय या सेल करते हो तो आप नॉर्मल में बाय कर ही नहीं पाओगे, सिस्टम आपको अलाउ नहीं करेगा। बाय करना हो तो डिलीवरी बोल के ही बाय करना होगा, सेल करना हो तो सेल फ्रॉम डीपी करके ही सेल करना होगा, ठीक है। सो शुभम सर, आई गेस दैट्स योर सॉल्यूशन। ओके, नॉट शोइंग इन POA, अदर शोइंग। Yeah, Deepak sir is asking if company is not showing in POA
एंड अदर्स आर शोइंग. सी एज दीपक सर जैसे आई थिंक सो आपने वो मिस कर दिया, आई रिपीट इट अगेन. देखिए क्या होता है, अगर अभी जैसे दीपक सर का मेरे पास जो अकाउंट है वो फॉर्म के थ्रू खुला है, तो मेरे पास दीपक सर का पावर ऑफ अटर्नी आ गया है. ठीक है, तो आप जब कंट्रोल एच करोगे, ठीक है, वो एस्केप पे मैं दिखा देता हूँ एक बार. देखिए हम एस्केप किया, हमने क्या किया, कंट्रोल दबाया और एच दबाया. तो जब आप कंट्रोल एच करके रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पर आपको जो भी स्क्रिप्ट दिखा रहे हैं ये सिर्फ वही स्क्रिप्ट है जिनकी पावर ऑफ अटोर्नी मेरे पास है. हम क्या करते हैं, जब हम कोई स्क्रिप्ट को बाय करते हैं ना, तो सामने वाले से हमारे को उसकी डिलीवरी मिलती है, बराबर, वो हमारे डीमैट में आता है. लेकिन जब हम कोई स्क्रिप्ट सेल करते हैं तो ब्रोकर का काम होता है कि उसको आपके डीमैट से निकाले और सामने वाले क्लाइंट को उसको दे दे, ठीक है, उसको उसकी डिलीवरी दे दे. ये काम करने के लिए आपको ब्रोकर को एक पावर ऑफ अटोर्नी देना होता है. अगर आपने वो पावर ऑफ अटोर्नी नहीं दिया है, भले ही वो शेयर आपके अकाउंट में हो, ब्रोकर उसको आगे डिलीवर नहीं कर पाएगा सामने वाली पार्टी को. इन दैट केस आपका वो शॉर्ट में चला जाएगा. तो ये कंफर्म कैसे करना है, एक तो आप टर्मिनल से कंफर्म कीजिए, और एक मैंने आपको ऑप्शन बताया शिफ्ट क्यू. देखिए ऑप्शन पे मैं जाता हूँ, शिफ्ट एंड क्यू. शिफ्ट क्यू, शिफ्ट क्यू करने से आपका ये विंडो खुलता है. ठीक है, सॉरी आई डू इट अगेन. ये देखिए स्टार्ट पे आ रहा हूँ मैं, एंड योर शिफ्ट क्यू माय पोर्टफोलियो. ओके, आई थिंक माय टर्मिनल गॉट लॉग्ड आउट, जस्ट वन सेकंड. अगर आप मेरा दो टर्मिनल दोनों जगह पे अगर चालू हो तो एक जगह काम नहीं करेगा. आई लॉग इन अगेन. ओके, सो आपको करना है शिफ्ट क्यू. शिफ्ट क्यू करने से आपका एक विंडो खुलेगा जिसमें आपको वो सारी डिटेल्स अपने दिखा देगा. ठीक है, मैंने शिफ्ट क्यू किया है, यहाँ पर आपका एक इंटरफेस खुलेगा जिसमें आप अपनी होल्डिंग्स देख सकते हो. तो यहाँ पर आप होल्डिंग पे आइए, इक्विटी पे क्लिक कीजिए. अगर आपके पास फ्यूचर है, ऑप्शन है, कमोडिटी, आप वो उसके हिसाब से देख सकते हो. इक्विटी पे आप क्लिक कीजिए. इक्विटी के अंदर अगर यहाँ पर आपको वो स्क्रिप्ट दिखा रहा है तो इसका मतलब वो आपके अकाउंट में है. ठीक है, उसको आप POA का प्रोसेस फॉलो कीजिए जो नॉन POA वाले क्लाइंट्स हैं उनके लिए. उसको आप पहले टर्मिनल पे लेके आइए यहाँ पे. एक बार आपके वो टर्मिनल पे आ जाए उसके बाद आप उसको सेल कीजिए. आई थिंक सो दो दिन पहले मेरे एक क्लाइंट का मुझे क्वेश्चन आया था कि उनके पास KS की एनर्जी है लेकिन वो उनको टर्मिनल पे दिख नहीं रहा है. तो सर KS की एनर्जी जो है वो डीलिस्ट हो चुका है. ओके, मेरे को यहाँ पे सर्च में मैं KS के डालता हूँ. देखिए KS के नाम से नहीं आ रहा है, बट उनके यहाँ पर वो जब अपनी होल्डिंग में देख रहे थे तो उनको यहाँ पर KSK दिखा रहा था. बट सर बिकॉज आप उसको ले नहीं पा रहे हो और आप उसके अंदर ट्रांजेक्शन नहीं कर पा रहे हो बिकॉज वो पिछले आई थिंक शायद 1 जुलाई के बाद वो डीलिस्ट हो गया है. सो इनकेस अगर वो यहाँ दिखा भी रहा है तो आप पहले वो चेक कर लीजिए कि वो टर्मिनल पे लिस्टेड है या नहीं. एंड दैट इज द केस वाई वी मोस्टली अवॉइड पेनी स्टॉक्स. बड़े स्क्रिप्ट में तो ऐसा कभी होता नहीं है. सो दीपक सर आई थिंक दैट्स योर आंसर. इफ देयर इज एनी क्वेश्चन आई एम ओपन. अगर कोई हैंड रेस करता है तो मैं उन्हें अनम्यूट भी कर दूंगा. अगर किसी को क्वेश्चन डायरेक्टली 1-to-1 पूछना हो तो मैं उन्हें अनम्यूट भी कर सकता हूँ. सो आई थिंक सो इज देयर एनीवन. या जस्ट वन सेकंड. ओके संतोष जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है. या संतोष जी, मैंने आपको अनम्यूट किया है. सो संतोष जी, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है. ओके, आई थिंक सो आई एम नॉट गेटिंग दिस क्वेश्चन. दीपक सर, आई थिंक सो आई आंसर्ड योर क्वेश्चन, सो इट्स डन. एंड या सो आई एम वेटिंग फॉर 5 more minutes. हमारा सेशन जो है एक्चुअली ये ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग है. 4 बजे ये सेशन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा. सो बिफोर दैट आई एम देयर. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस आप चैट बॉक्स में लिख दीजिए या फिर आप अपना हैंड रेज कर दीजिए, मैं आपको बोलता हूँ. या दीपक सर. हेलो. यस दीपक सर. या नहीं, क्या हो रहा है वो इसमें POA में दिखा रहा है वो IFC है लेकिन वो जीरो क्वांटिटी दिख रहा है. कहां पर सर? टर्मिनल पे होल्डिंग कंट्रोल एच किया ना. कंट्रोल एच. ओके, कंट्रोल एच किया तो बाकी जो होल्डिंग है मेरे पास वो सब जो होल्डिंग है वो क्वांटिटी दिखा रहा है और POA में भी वही सेम क्वांटिटी दिखा रहा है. मतलब POA ये जीरो, ये इसकी बात कर रहे हो क्या? अभी देखिए मेरे स्क्रीन पे POA दिख रहा है. आप इसकी बात कर रहे हो? हाँ वही कर रहा हूँ. अच्छा, ये POA अलग हो गया सर. ये एक्चुअली ये एक्स्ट्रा क्वांटिटीज है. देखिए यहाँ पे देखिए मेरे पास में 16 क्वांटिटी नॉन POA है. मैंने ये जो POA नॉन POA है ना, ये सब एडिशनल फीचर्स है. इसको आप इग्नोर कीजिए एज ऑफ नाउ. इस पे रेक्टिफिकेशन चल रहा है. हमको जो मेन रिपोर्ट रिफर करनी है हमारे वो विंडो के ऊपर जाके यहाँ पे रिपोर्ट जो है उसको रिफर करनी है. नहीं, अभी वो जो रिपोर्ट देगा उसमें दिख रहा है ना IFC. राइट.
ओके तो उसका पीओए है तुम्हारे पास? पीओए है बिल्कुल सर, आपने आपने जो मेरे पास अकाउंट ओपनिंग किया है वो फॉर्म के थ्रू किया है। हाँ फॉर्म के थ्रू किया है। यस, तो आप इसको बिल्कुल बेच सकते हो, अगर आपके डीमैट अकाउंट में यहाँ पे होल्डिंग में आईएफसीआई दिखा रहा है सो आप उसको बिल्कुल बेच सकते हो। आप सेल फ्रॉम डीपी कीजिए, आप आईएफसीआई आप लगा लीजिए एंड आई थिंक सो दिस इज द वन। ओके और एक क्वेरी था, अगर मेरे पास ऑलरेडी डीपी में है शेयर डिलीवरी में और सपोज मैंने सेल करते टाइम वो नॉर्मल में सेल किया, यस सर, तो क्या उसका क्या इफेक्ट हो सकता है? आप बिकॉज मेरे पास आपका पीओ है, लेट्स से अभी जैसे आईएफसीआई है, लेट्स से आपके पास में 1000 क्वांटिटी है लेट्स से, ओके, तो मैं ये 1000 क्वांटिटी आपने क्या किया मार्केट में 7 रुपए पे या जो भी आपका प्राइस होगा और आपने उसको नॉर्मल में बेच दिया, ठीक है, तो ओपन मार्केट में क्या किया आपने एज ऑफ नाउ तो उसको शॉर्ट किया हुआ है, बिकॉज आपने उसको नॉर्मल में ट्रेड किया है तो आपका वो शॉर्ट हुआ है। 3:30 के पहले आप उसको कवर करोगे तो आपका ट्रेड क्लोज हो गया, बट 3:30 तक अगर आपने उसको खुला छोड़ दिया तो 3:30 के बाद सिस्टम चेक करेगा कि आपके डीमैट में वो है या नहीं है। अगर वो आपके डीमैट में है तो सिस्टम वहां से उसको निकाल देगा, बट लेट से आपके पास में उसका 1000 क्वांटिटी आपने शॉर्ट किया बट डीमैट में आपके पास उसका सिर्फ 800 क्वांटिटी पड़ा है, इन दैट केस क्या होगा, 800 डीमैट में से चला जाएगा और बाकी के जो 200 है वो ऑक्शन में चला जाएगा। ओके मतलब फिर भी अगर हम सेल कर रहे हैं जो क्वांटिटी हमारे पास है डीपी में, राइट, अगर वो सेल कर रहे हैं तो डीपी फ्रॉम डीपी डालना ही अच्छा रहेगा। फ्रॉम डीपी मैं लोगों को जनरली बोलता हूँ कि आप सेल फ्रॉम डीपी कीजिए ताकि आपका वो डीपी से कट जाए, बट कुछ लोग क्या करते हैं जैसे मेरे पास में मैंने कुछ क्लाइंट्स को एक ऐसा सजेशन दिया है जो इंट्राडे ट्रेडर्स है ना, मैंने कुछ क्लाइंट्स को ऐसा सजेशन दिया है कि आप क्या कीजिए एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाइए, उसमें आप अच्छे खासे स्टॉक्स लेके रखिए, उन स्टॉक्स को आप क्या कीजिए कि जैसे मार्केट अगर ऊपर खुले तो उन स्टॉक्स को आप बेच दो, जैसे आपके पास में लेट्स आइडिया पड़ा है या लेट्स एसबीआई पड़ा है, अब एसबीआई आपने समझो 150 160 कहीं लेके रखा होगा, आज 184 है, आप इसको ऊपर सेल कर दो, इंट्राडे में अगर वो नीचे आया तो आप उसको बाय बैक कर लो, नहीं आया तो आपके डीमैट से निकल जाएगा, अगली बार जब वो नीचे आएगा तब आप उसको उठा लेना। तो ये जो जिनको ट्रेडिंग करना है या डिलीवरी ट्रेडिंग करना है इंट्राडे ट्रेडिंग करना है उनके लिए ये ऑप्शन अच्छा है कि आप पहले उसको नॉर्मल में सेल करो और बाद में चाहिए तो आप उसको कवर कर लो, नहीं करोगे तो सेल फ्रॉम डीपी से निकल जाएगा। थोड़ा सा आप एक बार जब उसको आप यूज करना शुरू करोगे तो आपको वो आइडिया बैठ जाएगा उसका। और ये आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो है वो अभी 3:30 के बाद हम कब डाल सकते हैं? सर 6 बजे ये विंडो खुलता है आफ्टर मार्केट ऑर्डर का और फिर ये रात को 11-12 बजे तक ये चलता है। और जो हम ऑर्डर प्लेस करते हैं वो एक्चुअल प्लेस हो जाता है या सुबह प्लेस हो जाता है? नहीं एग्जैक्टली ये एक्चुअली होता क्या है, देखो हम जब ऑर्डर मारते हैं ना तो वो ऑर्डर कहाँ जाता है, हमारे एक्सचेंज पे जाता है ना, एनएससी बीएससी के एक्सचेंज पे ऑर्डर जाता है, बट 3:30 बजे क्या होता है एक्सचेंज तो बंद हो जाता है, तो ये सिस्टम क्या करता है, सिस्टम अपने एंड पे ये ऑर्डर को रिजर्व कर लेता है। इस तरह से जैसे आप है, मैं हूँ, काफी सारे क्लाइंट्स ने समझो एमओ ऑर्डर लगा दिया, तो इसकी एक बल्क डेटा इसका तैयार होता है सिस्टम के एंड पे, अगले दिन 9:15 बजे सिस्टम एक फाइल शूट करता है और 9:15 बजे सबके दन 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 मतलब एक के बाद एक एक के बाद एक सबके ऑर्डर्स वो प्लेस होते जाते हैं। नहीं लेकिन वो शूट कब करता है, व्हाट एग्जैक्ट टाइम शूट? एक्चुअली क्या है देखो मैं आपको उसका फ्रेंकली बताता हूँ, 9:15 बजे सिस्टम उसको एक्सचेंज पे बेचता है, बिकॉज वो ऑर्डर हजारों लाखों ऑर्डर होते हैं एक साथ, तो जरूरी नहीं कि सबके सब 9:15 बजे शूट होंगे, उसको प्लेस होते होते 9:17, 9:18 हो जाते हैं, यानी अगले 3-4 मिनट के अंदर वो ऑर्डर सबका प्लेस हो जाता है, तो जरूरी नहीं है कि आपका 9:15 बजे शार्प प्लेस होगा। एमओ का एक्चुअल तो यूज एक्चुअल तो उसका जो डेफिनेशन है वो यही है कि जो आप इंस्टेंटली 9:15 बजे आप ऑर्डर नहीं लगा सकते तो सिस्टम आपके बिहाफ पे लगाए, बट बिकॉज एमओ का लोग जनरल यूज क्यों करते हैं क्योंकि दिन में उनको टाइम नहीं है, रात में वो आते हैं जॉब से और फिर रात में वो ऑर्डर बना के रखना चाहते हैं अपना, तो उसके लिए वो एमओ का ऑप्शन यूज करते हैं। मार्केट बंद होने के बाद, ठीक है, इसका जो वर्किंग है एमओ का ये आफ्टर 6 o'clock शाम को से लेके फिर रात के 11 या 12 बजे तक ही ये चलता है, ठीक है, बट जीटीडी ऑर्डर को आप लाइव मार्केट में भी लगा सकते हो या जीटीडी ऑर्डर को आप आफ्टर मार्केट भी लगा सकते हो। जीटीडी का मतलब ये है कि मेरी जो ऑर्डर की वैलिडिटी है वो कब तक रहेगी, आप ये ऑर्डर जैसे अभी लगा रहे हो संडे के दिन पे तो आप जीटीडी करके लगा दो उसको, आप अगले लेट्स से 31 जुलाई तक आप ऑर्डर लगा दो, या फिर समझो आप लाइव मार्केट में कल अभी मंडे मॉर्निंग आप एसबीआई में ट्रेड कर रहे हो, आपको 190 की ऑर्डर उसको देनी है लाइव मार्केट में, तो लाइव मार्केट में आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप ये एएमओ को हटा दोगे, ठीक है, बिकॉज लाइव मार्केट में एएमओ नहीं चलता सीधी बात है, तो आप एएमओ को तो आप हटा दोगे, ऑर्डर प्लेस करते समय आप अपनी क्वांटिटी वगैरह डाल दोगे एसबीआई की जो भी है,
एंड ऑर्डर लाइफ जो है उसको आप जीटीडी कर दोगे. सो जीटीडी एंड एएमओ जरूरी नहीं है कि आप दोनों में से कोई एक लो, आप दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव फील्ड में काम करते हैं. नहीं नहीं, मैं मेरा कहने का ये था कि अगर जीटीडी डाला मैंने तो वो सुबह एग्जैक्टली 9:15 को चालू हो जाता है क्या, वो प्लेस हो जाता है क्या ऑर्डर में? ना सर, नहीं सर, मैं आपको वही बता रहा हूँ. जीटीडी एक्चुअली एग्जैक्ट 9:15 को नहीं जाता है, बिकॉज हमारे पास में ऑर्डर्स का इतना लोड होता है क्योंकि ऑल ओवर द इंडिया मोतीलाल ओसवाल के सभी कस्टमर्स ये फैसिलिटी यूज करते हैं. सो इट इज नॉट पॉसिबल कि एक शॉट के अंदर ही सारे ऑर्डर्स वन शॉट में प्लेस हो जाए. बट 9:15 से लेके 9:18 या 9:19 तक अगले 3-4 मिनट में सबके ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो जाते हैं. इट टेक्स, आप उसको 3 या 4 मिनट का बफर उसको लगता ही है, वो मैं आपको एडवांस में बता देता हूँ. नहीं, क्योंकि ये ऑटोमेटिक प्लेस होता है ना ऑर्डर, इसलिए ऑटोमेटिक. यस सर. नहीं बट बिकॉज ऑर्डर का इतना लोड है तो इसके लिए वो उतना टाइम लगता ही है. ठीक, थैंक यू सर. सो या आई एम गेटिंग मोर क्वेश्चंस, मेरी आवाज आ रही है. So if I Nidhi ji puch rahe ki if I put order in AMO but want to cancel it before market opens, is it possible? Yes ma'am. Agar aapne AMO mein order jaise aaj laga diya to kal aap subah usko 8 baje ke pehle aap usko cancel kar sakte ho. Jaise 9:15 market khulta hai na, I think so 8:00 se leke 9:00 ke beech mein AMO ko log close kar dete hai cancellation. Agar market chalu hone se just pehle agar aap usko close kar rahe ho jaise 9 baje, 9:15 baje, 9:10 ko, to shayad wo cancellation nahi hoga. बट अर्ली मॉर्निंग 8 बजे के पहले पहले आप उसको कैंसिल कर दोगे तो आपका एमओ कैंसिल हो जाएगा. नहीं तो फिर वो आप बाद में उसको आप फिर कैंसिल नहीं कर पाओगे. अगर 9 बज गए तो आप कैंसिल नहीं कर पाओगे, फिर वो प्लेस हो ही जाएगा. फिर वो या एमओ संडे को लगा सकते हैं. सुधीर सर, एमओ का मतलब क्या होता है कि आफ्टर मार्केट ऑर्डर, यानी मार्केट बंद होने के बाद जो आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हो उसको बोलते हैं आफ्टर मार्केट ऑर्डर. ठीक है, तो जिस दिन भी छुट्टी है या शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, या सैटरडे संडेज के दिन पे आप ऑर्डर लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. बस आप ऑर्डर लगाने के बाद एक बार उसको क्रॉस चेक कर लिया करो कि आपका ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है क्या, ताकि मंडे मॉर्निंग आपको कोई इशू नहीं आए या अगले मॉर्निंग कोई इशू नहीं आना चाहिए आपको. सो आई थिंक अब तक के तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज़ आप हैंड रेज कर दीजिए या फिर आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए. आई थिंक वी हैव 9 more minutes रिमेनिंग. 4 बजे ये सेशन ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा. सो इट्स 3:51 ऑलरेडी. सो फॉर नेक्स्ट 9 minutes I can take questions. And don't worry, ये session record हो रहा है, इसकी recording मैं आपको provide करवा दूंगा. Okay? So मैं अगर आप मेरे group में हो तो group में मैं इसकी link दे दूंगा. In case अगर आप मेरे group में नहीं हो तो आप मुझे contact कीजिए, मैं आपको हमारे financial group में डाल दूंगा. जो regular traders है उनके लिए एक अलग से group बनाया है, काफ़ी सारे लोग उसमें है जिसमें सिर्फ calls आते हैं. So आप वो group में join कर सकते हैं. This is only for those who are trading with me. जो लोग strictly trade कर रहे हैं उनके लिए मैंने एक अलग group रखा है. So yeah, I'm getting a question. Yeah, what's it? Yeah, you're audible. Very good, Tanay. Yeah, thank you. बहुत बढ़िया है. जो भी members अभी तक इसमें इस webinar में हैं, मैं एक दो चीज सिर्फ points बता देता हूँ. ये जो audience है या जो पूरा structure है तो बहुत vast है. Right. तो उस जरूरी नहीं कि सभी चीज सभी को जरूरी है. तो अभी अभी जो ये बताया गया है इसमें तो क्या है, मैक्सिमम डिटेल्स हमने बता दिया है, लेकिन बिल्कुल हमको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इतना सब चीज कैसे सीखेंगे. इसमें के 2 या 3 फीचर्स ही हमारे काम आते हैं जो मेनली, तो जो चीज हमारे यूजफुल है उस पर ही अपने को कॉन्सेंट्रेट करना है, बाकी सब चीज एक्स्ट्रा है. जैसे अभी मोबाइल रहते हैं, मोबाइल में 50 तरह की चीजें होती है, हम 2-4 चीजें ही यूज कर पाते हैं या करते हैं, इसलिए सभी पे डिटेल जाने की जरूरत नहीं है. जो भी चीज आपको यूजफुल है, आपके काम आने वाली है, उसी पे अपन फोकस करें और उस पे ही पूरा ध्यान दें. उस चीज में अगर कोई आपको डाउट है तो आप तने से पूछ सकते हैं. या मैं एक काम कर देता हूँ, चैट बॉक्स पे मैं मेरा नंबर वापस एक बार फ्लैश कर देता हूँ. ओके, सो अगर कोई किसी को कोई डाउट है, किसके पास मेरा नंबर नहीं है, तो आप चैट बॉक्स पे मैं दे रहा हूँ. मैं हो सके तो एक बार आपको स्क्रीन पे भी मेरा नंबर शेयर कर देता हूँ. Once again.